हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री। बेटा हम लोग MTS 4 जो आपने पेपर दिया है DCM टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, इसके केमिस्ट्री पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे और मैं आपको इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। फिर भी अगर आपके किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो वो आप ये सॉल्यूशन देख करके दूर कर सकते हैं। ठीक है, करें शुरू। इस पेपर में आपके पास नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट हैं। सेक्शन ए में आपके पास 35 क्वेश्चन हैं जो आपको सारे के सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। बेटा तो शुरू करें। 51 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN2 रिएक्शन। ये SN2 अभिक्रिया, ये यौगिक SN2 अभिक्रिया के प्रति इनकी जो क्रियाशीलता है उनके सही क्रम को हमें पहचानना है। SN2 क्रिया आपके माइंड में क्या लाती है? लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी। तो लीविंग ग्रुप को देखें तो लीविंग ग्रुप यहां पर एक जैसा है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउड। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज होती है तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? इंक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगी तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर बेटा? तो हमें देखना है करेक्ट ऑर्डर। तो किस पर हमें स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करना है? यहां पर इस कार्बन पर जिसके साथ लीविंग ग्रुप को अटैच किया हुआ है। तो ये कार्बन हमें चेक करने हैं बेटा। तो आप देख पा रहे हैं इनमें से ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यहां पर ये आपके पास 2 डिग्री है, यहां पर ये आपके पास 1 डिग्री है। 1 डिग्री में क्राउड त्रिविम बाधा कम है इसलिए 1 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो 1 डिग्री में देखें तो यहां पर स्ट्रेट चेन जुड़ा हुआ एक सीधी श्रृंखला है और यहां पर आप देखें क्राउडेड है। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम किसके पास है? नो डाउट फर्स्ट के पास है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट की SN2 के लिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका नंबर आएगा? उसके बाद नंबर आएगा फोर्थ का। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप देखें इसके अंदर किसको चेक करेंगे, थर्ड और इसमें थर्ड और फिर क्या आएगा आपके पास सेकंड, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। कौन सा आंसर आ रहा है बेटा? सेकंड आंसर आ रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? SN2 में क्या देखना है? त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउड चेक करना है। क्राउड मिनिमम होगा SN2 के लिए रिएक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। उसी को मैंने यहां पर फॉलो किया है, ये आपके प्योर NCERT में एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 52। क्लोरिंथो इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, हाउएवर इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह है फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन सने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है कि क्लोरीन को हम क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मानते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी मानते हैं। और ये हमारे माइंड में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा तो रिएक्टिविटी को कम कर देगा। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए।
तो ये तो सही है, ये तो इतना तो सही है, ये बेंजीन है और ये यहां पर क्लोरीन है। इसके माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये रिएक्टिविटी बनती है। क्लोरोबेंजीन बेंजीन से कम क्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है, इसके माइनस आई इफेक्ट के कारण ऐसा है बेटा। लेकिन अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल का कहीं पर अटैक करवाना चाहूं तो वो अटैक कहां पर होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये कैसे पता लगेगा कि ऑर्थो पैरा पर होगा, इसके लिए आपको क्या समझ में आना चाहिए, इस क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट, प्लस एम या आप इसको क्या कह सकते हैं, प्लस आर इफेक्ट कह सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट के कारण इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग के पीछे रीजन क्या है, इसका प्लस एम या कहें प्लस आर इफेक्ट। अब आप इसके ऑप्शन को देखें, ओनली माइनस आई इफेक्ट क्या इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकता है, नहीं कर सकता है। ओनली माइनस आई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ओनली माइनस आर तो इसमें है ही नहीं, बोथ माइनस आई माइनस आर ये भी इसमें नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, फोर्थ आंसर जाएगा। आंसर क्या जाएगा इसका, फोर्थ इसका आंसर जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है। ये कैसे पता लगा, क्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट से। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये आपको कैसे पता लगता है, क्लोरीन के प्लस एम या कहें प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा आपके पास, फोर्थ आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड, कौन सी अभिक्रिया का उपयोग पिक्रिक अम्ल बनाने में किया जा सकता है। पिक्रिक अम्ल बनाना है, पिक्रिक अम्ल आपके पास क्या होता है बेटा, ये आपके पास पिक्रिक एसिड रहता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को पिक्रिक एसिड बोला जाता है, ये पिक्रिक एसिड है। अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसकी हेल्प से आप पिक्रिक एसिड को बना सकते हैं, चलो देखते हैं। पहले में फिनोल के साथ डाइल्यूटेड HNO3 दिया हुआ है, और जब फिनोल डाइल्यूटेड HNO3 से रिएक्ट करता है तो मोनोनाइट्रोफिनोल बनता है, मोनोनाइट्रोफिनोल बनता है, यानी कि आपको यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा, पिक्रिक एसिड इसमें नहीं बनेगा, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड है, फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सांद्र HNO3 से अगर आप फिनॉल की रिएक्शन करवाएं, फिनॉल में OH ग्रुप का स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट होता है जो इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर किए हुए है, और जब आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे तो नो डाउट यहां पर क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, प्योर आपके यहां ये कहां से लिया हुआ है, NCRT की रिएक्शन है बेटा, ये भी NCRT का है, ये भी प्योर NCRT का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ये मेथड पिक्रिक एसिड बनाने के लिए बेस्ट मेथड है क्या, तो आप कहेंगे ये मेथड बेस्ट मेथड नहीं है, पिक्रिक एसिड प्रिपेयर होता है लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फिनॉल की कुछ अमाउंट का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, तो इसलिए जितनी पिक्रिक एसिड की अमाउंट हमें मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाएगी। पिक्रिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो लेकिन बेस्ट मेथड नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये देखना है कि पिक्रिक एसिड बनाने में किसका उपयोग किया जा सकता है, कैन बी यूज टू प्रिपेयर, तो इसका मतलब आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो पिक्रिक एसिड बनाने में। थर्ड की बात करें,
थर्ड की बात करें, थर्ड में देखो क्या लिखा है, पहले आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखो फिनॉल में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे तो आपको इस तरह से सल्फोनिक एसिड मिलेंगे। एक बार और इसके अंदर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दें तो इन दोनों से ही क्या मिलने वाला है बेटा, डाइसल्फोनिक एसिड, प्योर एनसीईआरटी में इक्वेशन नहीं दे रखी है, वहां लिखा हुआ है कि इक्वेशन आप स्टूडेंट खुद प्रिपेयर करके देखें। फिनॉल की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे, पहले मोनोसल्फोनिक एसिड बनेगा, उसके बाद फिर रिएक्शन होगी, डाइसल्फोनिक एसिड बनेगा। अब अगर हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे तो यहां पर नाइट्रेशन होगा और ये दोनों ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएंगे, इप्सो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी बेटा। कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इप्सो रिएक्शन। यहां पर भी NO2 आएगा, यहां पर भी NO2 आएगा और यहां पर भी NO2 आ जाएगा। ये ग्रुप इप्सो रिएक्शन में तभी रिमूव होते हैं जब इनको रिमूव करने पर एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो यहां से SO3 रिलीज हो जाएगा, यहां से भी SO3 रिलीज हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन इजीली कंप्लीट की जा सकती है। पिक्रिक एसिड बन गया, ये पिक्रिक एसिड बनाने में यूज किया जा सकता है और ये बेस्ट मेथड भी है। उसके पीछे रीजन है, जब आप सल्फोनेशन करवाते हैं तो SO3H ग्रुप बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देता है जिससे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था वो देखें बेटा, विच रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड। तो हमने देखा पहली जो रिएक्शन है वो पिक्रिक एसिड को नहीं बना पा रही है, दूसरी रिएक्शन पिक्रिक एसिड को बना पा रही है और तीसरी रिएक्शन भी क्या बना पा रही है, पिक्रिक एसिड बना रही है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, आपके पास आंसर आएगा फोर्थ। आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास, फोर्थ आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आया? कैन बी यूज्ड पूछा है, सेकंड थर्ड दोनों को यूज कर सकते हो। बेस्ट पूछा जाता, अगर इसी क्वेश्चन में बेस्ट पूछा जाता तो आपका आंसर क्या आता, थर्ड आता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन्स अंडरगो हैलोजिनेशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एल्केन हैलोजनीकरण से गुजरते हैं, यह एक उदाहरण है। एल्केन का हैलोजिनेशन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन को फॉलो करता है बेटा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखते हैं नेक्स्ट 55। कोई कंपाउंड ए है आपके पास और उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH और Br2 को ऐड कर रहे हैं। ए में NaOH और Br2 आप मिला रहे हैं बेटा, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है जरा देखें, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, ब्रोमोफॉर्म बन रहा है, यानी कि आपको इसमें से उसे सेलेक्ट करना है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है।
जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है उसे सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या लगता है इनमें से हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला कौन सा होगा बेटा? क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा इसके साथ? नहीं देगा बेटा। इसके साथ ये कौन सी रिएक्शन देगा? हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसके साथ NaOH प्लस Br2 कौन सी रिएक्शन देगा? हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन निम्नीकरण अभिक्रिया होगी जो प्राइमरी एमाइन बनाने में हेल्प करता है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता आपका। क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं देगा बेटा। कीटोन के केस में क्या होना चाहिए? कीटोन के केस में क्या होना चाहिए आपके पास? मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो ये मिथाइल कीटोन नहीं है। यहां देखिए ये मिथाइल कीटोन है, ये मिथाइल कीटोन है। तो यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा? इसको यूज करना पड़ेगा। तो यहां से ये जो CH3 है, ये CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर आपसे हेलोफॉर्म रिएक्शन पूछी गई है। आंसर क्या आ गया आपका? थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। कोई कंपाउंड पी है, उसमें हमने सोडा लाइम को ऐड किया, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोपेन प्लस Na2CO3। आपको इसमें पी को आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शन कौन सी है? डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है आपके पास। ठीक है, चलो हम इसको एक एक करके सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले पार्ट में देखें CH3 CH2 CH2 COONA, इसको जब आप सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो यहां से ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह अटैच क्या होगा? हाइड्रोजन। आंसर प्रोपेन आ गया। सेकंड ऑप्शन को देखें, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, सेकंड ऑप्शन को COONA, यही सेम कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं। इसको रिमूव करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन अटैच करेंगे ये भी क्या बन गया? प्रोपेन ही बन गया बेटा। ठीक है, थर्ड की बात करें, थर्ड आपके पास है CH3 COOH, इसमें भी जब आप सोडा लाइम ऐड करेंगे ये यहां से रिमूव हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या रहेगा बेटा? इसमें भी आंसर आपका प्रोपेन ही है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से ही आप क्या बना सकते हैं? प्रोपेन बना सकते हैं, यही आपसे पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रोसेस कैसा है? डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण बेटा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 56। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करो। अब आपको इस रिएक्शन को थोड़ा देखना है कि क्या बन सकता है। ध्यान से देखें बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर भी डबल बॉन्ड है। HBr परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है। बेंजीन का डबल बॉन्ड और एल्कीन का डबल बॉन्ड, अगर दोनों की रिएक्टिविटी चेक की जाए तो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो मोर रिएक्टिव है। यानी कि अभिक्रिया जो होने वाली है, रिएक्शन जो होने वाली है वो यहां पर होने वाली है और HBr परऑक्साइड आपको दे रखा है। तो रिएक्शन आपको क्या करवानी है? फ्री रेडिकल एडिशन, मुक्त मूलक योग आपको करवाना है। और साथ में आपको इसके अंदर कौन सा रूल फॉलो करना होगा या कौन सा रूल इसमें फॉलो हो जाएगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल इसमें फॉलो हो जाएगा। तो इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है पहले इन दोनों की रिएक्शन से, यहां पर इसको और इसको अगर हम यूज करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। यहां ये जो कार्बन है इसके साथ कौन अटैच होगा? ब्रोमीन। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? एनहाइड्रस FeBr3 ऐड करना है।
जब आप इसमें एनहाइड्रस एफी बी आर थ्री एड करेंगे तो इस तरह से मिलेगा आपको प्लस कार्बोकेटाइन। अब ये इस बेंजीन के साथ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कर सकता है। तो इन दोनों के बीच में यहां पर अगर रिएक्शन होगी तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो ये कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन जो है यहां से यहां तक ये वाली, ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। कैसी है, इंट्रामोलिक्यूलर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन है, अंतः अणुक फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही है। पहले हमने क्या किया, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन करवा दिया, उसके बाद हमने इसमें क्या कर दिया, इंट्रामोलिक्यूलर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन करवा दी। तो आपके पास आंसर कौन सा आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है आपके पास थर्ड। ठीक है, फोर विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ पी के बी इज मैक्सिमम, किसके लिए पी के बी का मान अधिकतम है। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ और पी के बी एक दूसरे के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, पी के बी ज्यादा हो जाएगा। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो आपको देखना है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा, तो पता लग जाएगा। देखो इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, लेकिन यहां पर CH3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। तो इन चारों में से आप देख पा रहे हैं कि जो थर्ड है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, इससे ज्यादा किसका नंबर आएगा, फोर्थ का। इससे फोर्थ का ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि फोर्थ में प्लस आई इफेक्ट है जो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। अब इनकी बात करें, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो किसका नंबर आएगा पहले, 3 डिग्री का। और 2 डिग्री ये आपके पास है बेसिक स्ट्रेंथ, क्षार सामर्थ्य। और जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका पी के बी कम हो जाएगा, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी उसका पी के बी ज्यादा हो जाएगा, यही तो है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, पी के बी ऐसे लिखना पड़ेगा, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है उसका पी के बी ज्यादा होगा। तो पी के बी सबसे ज्यादा किस में आ रहा है बेटा, थर्ड में आ रहा है, किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे टू कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड टू इथाइल अमाइन, द रिएजेंट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड आर एज फॉलो। प्रोपेनोइक अम्ल को एथिल एमीन में बदलने के लिए आपको एक सही मार्ग पता करना है कि इनमें से एक्स वाई जेड क्या लें कि प्रोपेनोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए, इथाइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या पहला पार्ट इसमें सूटेबल होगा। अगर हम इसमें पहला पार्ट यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, CH3CH2COO होल ट्वाइस CA, कैल्शियम सॉल्ट मिलेगा।
कैल्शियम सॉल्ट को दूसरे पार्ट पे अप्लाई करो, हीट है, कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? ड्राई डिस्टिलेशन। इस ड्राई डिस्टिलेशन से आपको क्या मिलता है बेटा? यहां पर क्या मिलेगा? कीटोन मिल जाएगा। ड्राई डिस्टिलेशन से क्या मिलेगा? कीटोन मिल जाएगा। और उसके बाद कीटोन का क्या करना है? रिडक्शन करना है। जब आप कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो आपको यहां पर अल्कोहल मिलेगा, जबकि हमें क्या बनाना है? ये। तो क्या पहला आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। पहले आंसर को आप छोड़ दीजिए। अब दूसरे पर आ जाते हैं। SOCl2 की इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? COCl, यही तो मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जब SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो ये मिलेगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है बेटा? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये ग्रुप यहां से इसको छोड़ के चला जाएगा, CH3CH2CONH2 एमाइड बन जाएगा। और इस एमाइड में अगर हम Br2 और KOH ऐड करेंगे, कौन सी रिएक्शन है ये? एमाइड प्लस Br2 KOH, हॉफमान डिग्रेडेशन, हॉफमान निम्नीकरण। तो इस प्रोसेस में आपको क्या मिलने वाला है? इथाइल अमाइन मिलने वाला है। एक कार्बन कम हो जाएगा, एक कार्बन, ये वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ के चला जाता है। तो हमें क्या चाहिए था? इथाइल अमाइन। हमें क्या मिला? इथाइल अमाइन। तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? आपका आंसर आ रहा है सेकेंड। आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? सेकेंड। चलो आगे भी देख लेते हैं हम इसमें। अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएं तो क्या मिलेगा? अमोनियम सॉल्ट। और इसको हीट कर लें तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, एमाइड। एमाइड मिलेगा। और एमाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे, LAH आप इसमें ऐड करेंगे तो रिडक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन उस रिडक्शन से आपको इथाइल अमाइन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रोपाइल अमाइन मिलेगा। यह आंसर आपका नहीं हो सकता है। सिमिलरली आप फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास यही आंसर आने वाला है, फोर्थ में भी यह आंसर आएगा। पहले क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, एल्कोहल आएगा, एल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन करवाएंगे, हैलोजन डेरिवेटिव आ जाएगा, हैलोजन डेरिवेटिव की अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो यही आंसर, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? आपका आंसर आ रहा है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60, द आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट कंटेन क्लोरीन एंड इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, कृत्रिम मधुरक जिसमें क्लोरीन होता है और जो खाना पकाने के तापमान पर स्थायी रहता है, ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा हो सकता है? तो क्या होगा इसमें? याद करो, सुक्रोलोज। कौन सा रहेगा? सुक्रोलोज। सुक्रोज में ट्राई क्लोरीनेशन करते हैं तो सुक्रोलोज बनता है। सुक्रोलोज क्या है? ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज को क्या कहते हैं? सुक्रोलोज कहते हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, अणुसूत्र C5H10O युक्त एल्डिहाइडों की कुल संख्या, लेकिन कंडीशन मेंशन की हुई है, आपको क्या करना है? ओनली स्ट्रक्चरल, केवल संरचनात्मक ही कंसीडर करने हैं, किसी तरह से स्टीरियो कंसीडर नहीं करने हैं, और बनाना सिर्फ एल्डिहाइड है। पांच कार्बन आपके पास, 1, 2, 3, 4 ये है आपके पास।
ये तो बन सकता है। C5H10O से आपको क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है। C5H10O देखें आप, CH3 CH2 CH2 CH2, 3+2 5+2 7+2 9+1 10, तो C5H10 हो गया। तो इसी तरह से आपके पास 1 2 3 4 क्लियर। तो ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन ए में जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं बेटा। तो अब हम सेक्शन बी में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इस सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन मिलने हैं और कंपलसरी कितने हैं, 10 क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनको हम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 86 देखें, एक रिएक्शन आपको दे रखी है और आपको इसमें वाई को आइडेंटिफाई करना है। चलो देखते हैं बेटा इसमें क्या है। डबल बॉन्ड है, साइनाइड है और ये आपको क्या दे रखा है बेटा, ये डाइबॉल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और साथ में उसके क्या करना है आपको, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो जब आप साइनाइड में डाइबॉल एच ऐड करने के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट बनता है, मिलता है बेटा, एल्डिहाइड प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो मैं आपको इसे पूरा करके बताता हूं। यहां है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जब आप इसमें डाइबॉल एच ऐड करेंगे इसका पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा। क्या होगा बेटा, इसका पार्शियल रिडक्शन होगा, आंशिक अपचयन होगा। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास क्या रहा बेटा, एक्स। एक्स हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया। अब हमें एक्स में क्या मिलाना है, ये आपके पास क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है और टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें जब आप क्या ऐड करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे तो CHO का ऑक्सीडेशन होगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें ऐसा कौन सा आंसर आएगा बेटा, ये आंसर आ गया आपके पास। और बाद में इसका प्रोटोनेशन करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, साइनाइड का डाइबोल एच के साथ आप रिडक्शन करवाएंगे तो एक्स आपको क्या मिलेगा, ये एल्डिहाइड मिलेगा। और इसमें जब आप टॉलेन अभिकर्मक मिलाएंगे तो CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। CHO के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट फॉर्म में मिलता है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, सॉल्ट फॉर्म में, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एल्कलाइन मीडियम में काम करता है इसलिए पहले आपको सॉल्ट ही मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है थर्ड। हां, अगर मैं इसमें एसिड मिला दूं साथ में थोड़ा सा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल आपका आंसर थर्ड है बेटा। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ए ब्रांच्ड पॉलीमर निम्न में से कौन सा शाखित बहुलक है? सिंपल सा क्वेश्चन है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नाइलॉन 6-6, स्टायरलीन, क्या रहेगा बेटा? शाखित, लो डेंसिटी पॉलीथीन, कम घनत्व पॉलीथीन। क्यों इसमें लो डेंसिटी क्यों है? एक्चुअली में ये जो पॉलीथीन बनती है इसमें ब्रांचेज होती हैं। पॉलीथीन में क्या होती है? लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात कर रहा हूं, इसमें ब्रांच है। ब्रांच होने से ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक नहीं हो पाती है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में नहीं जा पाती है। नहीं जाने से डेंसिटी घनत्व क्या हो जाता है? इनमें कम हो जाता है। तो इसका मतलब है लो डेंसिटी पॉलीथीन कम घनत्व पॉलीथीन जो है वो कैसा है? ब्रांच्ड पॉलीमर है, ये याद करना आपको पड़ेगा बेटा। विच रिएक्शन प्रोडक्ट विल गिव कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कौन सी अभिक्रिया का उत्पाद? प्रश्न आपको ढंग से पढ़ना है बेटा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन किसके लिए होनी चाहिए? प्रोडक्ट के लिए होनी चाहिए। प्रोडक्ट विल गिव कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, प्रोडक्ट विल गिव, इसका मतलब है पहले आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा फिर आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले प्रोडक्ट बना के देखते हैं। पहले पार्ट में आपको क्या मिलेगा? CH3Cl में जब हम AgCN से रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास आंसर आता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड आता है, ठीक है। और जब हम इसका क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, किसकी हेल्प से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से, तो आपके पास आंसर आएगा CH3NHCS3। ये पहले का आंसर है। दूसरे में देख लेते हैं हम CH3Cl और आपको दिया है NH3, वो भी एक्सेस अमाउंट में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पर भी होगा, आंसर आएगा CH3NH2। यही तो मेजर आंसर होगा इसमें, क्योंकि अमोनिया एक्सेस में ले रखा है। थर्ड की बात करें CH3Cl, इसमें KCN से रिएक्शन करवा रहे हैं, पहले किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? KCN से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है? साइनाइड। अब इसका क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस करवाना है, जल अपघटन करवाना है। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इन एसिडिक मीडिया तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट बना लिए मैंने, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है। अब देखो, प्रोडक्ट विल गिव कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, उत्पाद कार्बाइल अमीन अभिक्रिया देगा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, प्राथमिक एमीन होनी चाहिए, क्लोरोफॉर्म होना चाहिए और KOH होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने लिख दिया कौन सा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देगा, तो जो प्राइमरी अमाइन होगा वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देगा। तो देखो क्या ये प्राइमरी है? नहीं, ये तो 2° अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा आ रहा बेटा? आंसर आ रहा है सेकंड। आंसर कौन सा आ रहा बेटा? आंसर आ रहा है सेकंड। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा बेटा? आपको क्या करना है? पहले प्रोडक्ट बनाने हैं और उस प्रोडक्ट से आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देने वाला है। इसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट्स आपको डायरेक्ट याद करने हैं, देखने हैं इसके अंदर। लाइसिन इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, लाइसिन एक अम्लीय अमीनो अम्ल है। गलत है बेटा, लाइसिन एसिडिक नहीं, बेसिक होता है, क्षारीय होता है, तो यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा, डी प्लस ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पाइरेनोज स्ट्रक्चर, डी प्लस ग्लूकोज पाइरेनोज संरचना में मौजूद होता है। बिल्कुल सही है, डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर 6-membered होती है, पाइरेनोज स्ट्रक्चर होती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनवर्ट शुगर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर,
प्रतीप शर्करा शर्करा का प्रकाशिक अक्रिय रूप होता है, यह गलत है बेटा। इनवर्ट शुगर है क्या? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। और ये मिक्सचर कैसा होता है? लीवो रोटेटरी। ये मिक्सचर कैसा होता है? लीवो रोटेटरी होता है बेटा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। मतलब ये मिक्सचर कैसा होगा? प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फोर्थ, Br2H2O इज यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू सैकेरिक एसिड। Br2H2O का उपयोग ग्लूकोज को सैकेरिक अम्ल में बदलने के लिए होता है, यह भी गलत है। इससे सैकेरिक एसिड नहीं बनता, क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड बनता है। कुछ ऐसा आंसर आएगा इसमें, इससे यह प्रोडक्ट बनेगा। और जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड तो इस तरह का होता है। ये होता है, ये तो नहीं बनता। क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड बनता है। सैकेरिक एसिड किससे बनेगा? जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएंगे। तो यहां तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे नहीं रखा है, आपको क्या दे रखा है? इसके साथ दे रखा है। तो इसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट भी इसमें गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ। आंसर क्या आ रहा है बेटा? आंसर क्या आ रहा है? सेकंड आंसर इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ विच रिएक्शन इज गिवन करेक्टली। कौन सी अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद सही दिया गया है? चलो देखते हैं बेटा। इसमें बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और 500 केल्विन टेम्परेचर है। तो क्या यह आंसर आएगा बेटा? नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इसका मतलब है आपके पास यहां पर क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल एडिशन, मुक्त मूलक योग होगा। और मुक्त मूलक योग होने से ये बनेगा BHC बनेगा बेटा, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनेगा। ध्यान से देखें, ये दे रखा है प्रोडक्ट क्या आएगा? BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और यहां पर क्या दे रखा है? हेक्सा क्लोरोबेंजीन दे रखा है। ये नहीं बन सकता है। अब ये किससे बना सकते हो आप? ये किससे बना सकते हो? अगर हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ सनलाइट की एब्सेंस में, इन डार्क और कोल्ड कंडीशन में, तब आप ये बना सकते हैं। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाओ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में, डार्क और कोल्ड कंडीशन में, तब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तब मिलेगा बेटा ये प्रोडक्ट, 11th क्लास NCERT। तो इसका मतलब है ये तो गलत हो गया। सेकेंड देखें, फिनॉल में जब आप जिंक ऐड करेंगे तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? यहां पर बेंजीन मिलेगा। और बेंजीन में जब आप सल्फोनेशन करवाएंगे तो ये मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, फ्यूमिंग H2SO4, या आप इसको कह सकते हैं ओलियम। तो बेंजीन का सल्फोनीकरण हो जाएगा, सल्फोनीकरण होने से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। बिल्कुल सही आंसर है। आपको ये तो पूछना है, करेक्ट। अब यहां देखें थर्ड में, इसके साथ NaNH2 एक्सेस में लिया बेटा, ध्यान से देखना, BrCH2 CH2 Br
जब आप इसमें NaNH2 को एक्सेस में ऐड करेंगे तो पहले कौन सी रिएक्शन होगी? E2 रिएक्शन होगी। E2 रिएक्शन होने से ये मिलेगा। अब चूंकि ये एक्सेस में लिखा हुआ है, एक्सेस में लिखा हुआ है, तो इसमें पहले इस तरह का सॉल्ट मिलेगा। बेटा बात समझ में आ गई? अब क्या किया है इसके अंदर, H प्लस ऐड कर दिया है। H प्लस ऐड क्यों किया है इसके अंदर? इस सॉल्ट को वापस CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कन्वर्ट करने के लिए। इसकी रिएक्शन NaH2 एक्सेस के साथ करवाएंगे, पहले एलिमिनेशन प्रोसेस होगा, आपको क्या मिलेगा? एल्काइन टर्मिनल, टर्मिनल एल्काइन, चूंकि ये एक्सेस में है, एक्सेस में है, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होकर के सॉल्ट मिलेगा। उस सॉल्ट में एसिड ऐड करोगे, वापिस आपको क्या मिल जाएगा? एसिटाइलिन मिल जाएगा। और एसिटाइलिन को एफई ट्यूब में से पास करें हाई टेम्परेचर पर तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है बेटा? बेंजीन बनता है। यहां पर प्रोडक्ट ये दिया है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था? बेंजीन आना चाहिए था। इसका मतलब ये भी इसमें गलत है, आपसे करेक्ट पूछा है। आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा। बात समझ में आ गई? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन अबाउट 2.0 ppm कॉज ब्राउन स्पॉट ऑन द टीथ। 2.0 ppm से ऊपर फ्लोराइड आयन की सांद्रता दांतों पर भूरे रंग के धब्बे का कारण है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपके NCERT में डायरेक्ट यही लाइन लिखी हुई है बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, वेन द pH वैल्यू ऑफ द रेन वॉटर ड्रॉप्स बिलो 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी NCERT के अकॉर्डिंग। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की पहचान करो। तो बेटा इसमें दोनों के दोनों कथन सही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या आया? थर्ड। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। निम्न में से कौन सा एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है आपके पास? प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर, समतलीय चक्रीय संरचना, यानी कि उसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगी। और उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है? डीलोकेलाइज्ड 4n pi इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज्ड 4n pi इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके पास 4 pi इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है या 8 pi इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, तो आप उसको एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। चलो देखते हैं बेटा इसमें, यहां पर 4 pi इलेक्ट्रॉन तो है, दो तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 4 pi इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन यहां पर आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? sp3 मिलेगा, जो इसके डीलोकलाइजेशन में क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होने देगा, विस्थानीकरण नहीं होने देगा, गड़बड़ हो गया बेटा। सेकंड की बात करें, सेकंड में ये जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा? sp3 है, ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 pi इलेक्ट्रॉन है, लेकिन sp3 की वजह से डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता, यह भी आंसर नहीं हो सकता। इस 3 को देखो, इसमें 4 pi इलेक्ट्रॉन है, और आप किसी भी कार्बन को चेक करो, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा? sp2 ही है, किसी भी कार्बन को चेक कर लो आप, तो इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो एंटी एरोमेटिक कौन सा हो जाएगा आपके पास? थर्ड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, यानी कि वहां पर जितने भी आपने एटम लिए हैं प्लेनर में साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो sp2 हो, तभी आप डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं। यहां गड़बड़ कर दिया इस sp3 ने, यहां गड़बड़ कर दिया इस sp3 ने। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास कौन सा आ गया? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास कौन सा आ गया बेटा? थर्ड आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है।
तो ये थे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आपका जो पेपर रहा अच्छा रहा, उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनकी सॉल्यूशन की हेल्प से वो डाउट दूर कर सकते हैं। आपके इस पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो मनोज जांगिड सर आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय सीएलसी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं DCM मेजर टेस्ट सीरीज, जिसका टेस्ट पेपर नंबर 4 है। ठीक है डियर, जिसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन आपने सॉल्व कर लिया है और हम देखने जा रहे हैं बच्चों फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है डियर, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा। एन एलिमेंट विद कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 विल फॉर्म ए कंपाउंड ऑफ हाइएस्ट आयनिक कैरेक्टर विद द एलिमेंट हैविंग कॉन्फिगरेशन। ठीक है डियर, तो आपसे कह रहा है कि ये जो कॉन्फिगरेशन दे रखा है ये एलिमेंट कौन सा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा। तो ये जो कॉन्फिगरेशन बच्चों 3s2 3p5, इट मींस ये हेलोजन का कॉन्फिगरेशन है बेटा। ये जो कॉन्फिगरेशन है बच्चों ये हेलोजन का कॉन्फिगरेशन है और हेलोजन में भी ये क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन है बच्चों। तो बच्चों ये जो क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन है, ये क्लोरीन सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किस एलिमेंट के साथ शो करेगा, ऐसा आपसे पूछा हुआ है। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बेटा, तो बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 1s2 2s2 2p6 ये बच्चों नियोन गैस, नियोन जो कि इनर्ट गैस है उसके लिए है। ऑप्शन नंबर सेकंड को देखेंगे बच्चों तो आर्गन 18 3d10 4s1 ये बच्चों आप देख सकते हैं कॉपर के लिए है। ठीक है, और आर्गन 18 4s1 ये बच्चों पोटेशियम के लिए है, यहां पोटेशियम के लिए है। ठीक है, और ये बच्चों 1s2 2s1 ये यहां पर बच्चों आपको लिथियम के लिए है। तो बच्चों जहां पर कैटायन का साइज लार्जेस्ट होगा, यानी कि धनायन का आकार जिसमें सबसे बड़ा होगा, वहीं पर आपको सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर देखने को मिलेंगे। बच्चों अगर आपको आयनिक करेक्टर्स को चेक करना है तो एनायन का साइज तो स्मॉल होना चाहिए और कैटायन का साइज बच्चों लार्ज होना चाहिए। जहां पर भी कैटायन का साइज लार्ज होगा और एनायन का साइज स्मॉल होगा, वहीं पर बच्चों आपको सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इन सारे ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में सबसे ज्यादा जो लार्ज साइज है कैटायन का वो पोटेशियम के लिए मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन के लिए मिल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन जो कि एस ब्लॉक की मेटल है पोटेशियम, उसी के साथ क्लोरीन मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर देना पड़ेगा बच्चों थर्ड, इट मींस पोटेशियम इज द आंसर फॉर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, उच्चतम आयनिक लक्षण पाए जाएंगे बच्चों पोटेशियम के साथ क्लोरीन के। तो यहां पर यौगिक बनेगा पोटेशियम के साथ KCl, पोटेशियम क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो जाएगा बेटो। ठीक है डियर, बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमको देखना है, तो ये था 62, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 बेटा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है पढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ध्यान रखें बच्चों एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं, जो ऑक्साइड नॉन मेटल के द्वारा बनाए होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, जबकि मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स हैं बच्चों बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहां पर जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर होंगे, यानी कि अधातु लक्षण सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है वो ज्यादा मिलेगी। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, उसी का ऑक्साइड बच्चों मोस्ट एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो बच्चों देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं B2O3, ये जो बोरिक बोरोन का ऑक्साइड है, ठीक है, और Al2O3 एल्यूमिनियम मेटल है, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे, एक ही वर्ग के तत्व बेटा गैलियम और इंडियम। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक करेक्टर बच्चों आपको बोरोन में देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट नॉन मेटलिक करेक्टर, सबसे ज्यादा जो नॉन मेटलिक करेक्टर है अधातु गुण है बच्चों बोरोन के पास है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर विद्युत ऋणता का मान बच्चों घटता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रही है और अगर बच्चों एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो विद्युत ऋणता घटेगी, इसलिए मैक्सिमम जो अम्लीय गुण होंगे बेटा
मैक्सिमम अम्लीय गुण बोरोन के ऑक्साइड B2O3 के पास देखने को मिलेंगे, और B2O3 को जब आप वाटर से रिएक्ट करेंगे बच्चों तो आपको H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा, जबकि Al2O3 को वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो बच्चों यहां पर आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, NaAlO2 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड तो कैसा है बच्चों, एम्फोटेरिक नेचर का है, उभयधर्मी प्रकृति का है, जबकि बोरोन का जो ऑक्साइड है बच्चों एसिडिक नेचर का होगा। इसलिए आंसर बच्चों यहां पर आपको फर्स्ट आंसर देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, आपको मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड के लिए आंसर जाएगा फर्स्ट, यानी कि B2O3 में सर्वाधिक अम्लीय गुण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है डियर, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर, आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें बेटा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट लाइकली टू एक्ट एज सेंट्रल एटम इन Mf6-3। यानी कि आपसे पूछा हुआ बच्चों कि जितने भी एलिमेंट्स आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं इनमें से Mf6-3 की फॉर्म में कौन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं, चेक करते हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है बोरोन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको बच्चों दे रखा है बोरोन, और ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है बच्चों एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है बच्चों गैलियम, और ऑप्शन नंबर फोर में दे रखा है बच्चों इंडियम। तो आपको यहां पर आंसर किस तरह से देखना बच्चों, ध्यान रखें बच्चों जिस एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी वैलेंसी को या कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों, ऐसे एलिमेंट जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, जैसे बोरोन की अगर बात करूं तो बोरोन के पास बच्चों वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल जरूर है। बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक किया जाए बच्चों तो 1s2 2s2 2p1 देखने को मिलेगा, देखना बेटा यहां पर अगर बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक किया जाए तो बच्चों बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, बोरोन के लिए कॉन्फिगरेशन होता है एटम नंबर 5 के लिए 1s2 2s2 2p1 इस तरह का कॉन्फिगरेशन देखने को मिलेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट सेल है भाइतम कोष जो है उसमें 2s2 2p1 दिख रहा है। अब 2s2 2p1 में बेटा आप ये तो 2p सबसेल हो जाएगा जिसमें 3 ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये बच्चों 2s सबसेल हो जाएगा जिसमें आपको 1 ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। तो 2s में बेटो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक्साइटेशन स्टेट में बच्चों जब ये BF3 अणु का निर्माण करेगा बोरोन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर कहां चला जाएगा, इस 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वैकेंट रह जाएगा। तो 1 फ्लोरीन तो बच्चों यहां शेयर कर लेगा, सेकेंड फ्लोरीन यहां शेयर कर लेगा, और बच्चों थर्ड फ्लोरीन यहां पे शेयर कर लेगा। अब देख सकते हैं ये जो चौथा ऑर्बिटल है बच्चों अभी भी कैसा वैकेंट है, इसका मतलब जो फोर्थ ऑर्बिटल है उसमें F- अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है बच्चों, इसका मतलब कितनी कोवेलेंसी मैक्सिमम शो कर पाएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, यानी कि मैक्सिमम बोरोन जो मॉलिक्यूल बना सकता है बच्चों, मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा BF4-, यानी कि अधिकतम जो बोरोन मॉलिक्यूल बना सकता है, जो आयन बना सकता है, वो क्या बनेगा यहां पर BF4- बन सकता है, BF6- का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इस बोरोन के पास आगे कोई भी रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं है, और बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में भी आप देख रहे हैं 2s2 2p1 है, और अगर 2s2 2p1 है बच्चों तो सेकेंड ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल का होना संभव नहीं है, और अगर डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो बच्चों यहां पर रिक्त कक्षक अनुपस्थित होंगे, और जब रिक्त कक्षक ही नहीं होंगे तो फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों एल्यूमिनियम के पास रिक्त डी कक्षक होगा क्योंकि थर्ड सेल में, गैलियम के पास रिक्त डी कक्षक होगा, इंडियम के पास भी बच्चों रिक्त डी कक्षक होगा, इसलिए ये तीनों 6 फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जबकि बोरोन के पास बच्चों रिक्त डी कक्षक एब्सेंट होने के कारण ये यहां पर F6 यानी कि 6 कोवेलेंसी शो नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको आंसर देना पड़ेगा फर्स्ट, यहां पर आपका आंसर जाएगा बोरोन, तो 64 का आंसर देंगे बच्चों फर्स्ट, ये आंसर जाएगा। ठीक है डियर, आगे चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन पढ़ते बेटो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट
निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ऐसा पूछा हुआ है। फर्स्ट में कह रहा बच्चों BF3 इज मोर स्टेबल देन BH3, BF3 इज मोर स्टेबल देन BH3, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि BF3 में बच्चों बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ज्यादा देखने को मिलेगा। BF3 अणु का जो बंध क्रम है बच्चों, BF बॉन्ड ऑर्डर जो है, बोरोन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.33 देखने को मिलता है। बेसिकली मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, बोरोन के पास रिक्त पी कक्षक है, उसमें फ्लोरीन बैकबॉन्डिंग के थ्रू अपना लोन पे ट्रांसफर कर देता है, इसलिए बच्चों यहां पर बंधक्रम का मान आपको 4/3 या 1.33 मिलता है, इसलिए BF3 अणु अधिक स्थायी होगा बच्चों किससे, BH3 मॉलिक्यूल से, क्योंकि BH3 में तो बंधक्रम एक ही होगा, जबकि BF3 में बॉन्ड ऑर्डर का मान 1.33 देखने को मिलेगा। BH3 में बैकबॉन्डिंग नहीं होगा, जबकि BF3 में बच्चों बैकबॉन्डिंग पाया जाएगा, इसलिए BF3 मोर स्टेबल होगा। सेकेंड ऑप्शन देखें बेटा, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO4-2 आयन इज 1.33। तो SO4-2 की बात करें बेटा, तो सेंटर एटम सल्फर होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से ऐड होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से ऐड होगा, यहां बच्चों ओ नेगेटिव और यहां पर बच्चों ओ नेगेटिव, इस तरह की संरचना बच्चों आपको सल्फेट में देखने को मिलेगी। अब ये कैसा मॉलिक्यूल है बच्चों, ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जानते हैं आप? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटो? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू दी, आप कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर बराबर सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, यानी कि सिग्मा बंधों की संख्या प्लस पाई बंधों की संख्या अपॉन सिग्मा बंधों की संख्या, यहां से आप बंधक्रम निकाल सकते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल को, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और चार सिग्मा, चार सिग्मा है और दो पाई बंध है, तो वैल्यू पुट कर दो यहां पर बच्चों, चार सिग्मा प्लस दो पाई अपॉन चार सिग्मा, तो यहां से 6/4 आ रहा है, और 6/4 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटो, कैंसिल करेंगे तो 3/2 मिलेगा, यानी कि यहां पर बंधक्रम का मान बच्चों 1.5 आना चाहिए, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 1.5, इसलिए बच्चों ये नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखें बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 इज मोर सोल्यूबल इन डाई इथाइल ईथर इन कंपेयर टू हाइड्रेटेड AlCl3, बिल्कुल सही बात है बच्चों। क्यों कह रहा है? क्योंकि निर्जल AlCl3 जो है, एनहाइड्रस AlCl3 जो है बच्चों, ये अच्छा लुईस एसिड होगा। एनहाइड्रस AlCl3 में बच्चों एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन डेब्सेंट मॉलिक्यूल है, सेंटर एटम एल्यूमिनियम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो लुईस के अकॉर्डिंग बच्चों इसकी लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और डाई इथाइल ईथर के पास बच्चों डोनेट करने के लिए लोन पेयर होता है, तो ईथर अपना लोन पेयर इजीली एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा, बसरते एल्यूमिनियम कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस, अगर वो वाटर के साथ ऐड होगा तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ बच्चों कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, तो AlH2 का होल 6+3+ कॉम्प्लेक्स बन जाता, परंतु यहां पर एनहाइड्रस अगर AlCl3 है तो एनहाइड्रस AlCl3 बच्चों कैसा होगा, अच्छा लुईस एसिड होगा, जो कि ईथर से इजी लोन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी शो करेगा, इसलिए यह बात भी बच्चों सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट था। ठीक है डियर, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखते बेटा, लीनियर सिलिकेट्स इन्वॉल्विंग रिपीटेशन ऑफ SiO3-2 यूनिट्स, बिल्कुल सही कह रहा है। लीनियर सिलिकेट्स में क्या होता है, रिपीटेशन होता है SiO3-2 यूनिट्स का, लगातार रिपीटेशन होता रहता है। ठीक है, तो रेखीय सिलिकेट है जिनमें, ये याद रखना है बेटो आपको, इसकी यूनिट आपको इकाई ध्यान रखनी है, SiO3-2 यूनिट्स लगातार क्या हो रही है, रिपीट होती रहती है, बार बार चलती रहेंगी, क्योंकि एक ग्रुप को तो कौन ऐड कर लेता है, एल्काइल ग्रुप ऐड कर लेता है, और बाकी जो चेन बनती जाएगी SiO 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 SiO, इस तरह की लीनियर चेन यहां पर फॉर्म होती जाएगी। ठीक है डियर, तो ऊपर नीचे वाले जो ग्रुप हैं, अगर आपको रेखीय सिलिकेट बनाना है, बात कर रहे हैं अपन, सिलिकॉन होता तब तो R2SiO बनता, R2SiO का होल एन बनता, यहां पर लीनियर सिलिकेट्स हैं, तो लीनियर सिलिकेट्स के लिए एक चेन बनेगी किसकी, SiO3-2 यूनिट्स की, एक रेगुलर चेन का फॉर्मेशन होता रहेगा, इस तरह से आपको इसको लर्न करना है, फॉर्मूले को याद रखना है बच्चों। ठीक है डियर, तो इनकरेक्ट पूछा है तो आपको आंसर देना पड़ेगा बच्चों, सेकेंड ये इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ यहां पर। ठीक है डियर, आगे चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटो, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 66, अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, गलत कथन का चुनाव करना है, गलत कथन चयन करना है बेटा। तो बच्चों कथन पढ़ते हैं पहले, फर्स्ट कथन है, CO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड,
बिल्कुल सही कह रहा है, CO2 जो है बच्चों कार्बोनिक एसिड H2CO3 का एनहाइड्राइड है, यानी कि वाटर रिलीज करने के बाद बनता है। कैसे चेक करते हैं, तो बच्चों अगर H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है और इस कार्बोनिक एसिड से बच्चों वाटर रिलीज कर दिया जाए, माइनस H2O कर दिया जाए, तो आपको CO2 प्राप्त होगा। तो यदि किसी अणु का निर्माण वाटर रिलीज करने से बनता है या वाटर रिलीज करने से होता है तो ऐसा अणु बच्चों एनहाइड्राइड कहलाता है। जैसे SO3 गैस सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, जैसे SO2 गैस सल्फ्यूरस अम्ल का एनहाइड्राइड है, उसी प्रकार बच्चों CO2 गैस जो है ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। ये बात बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन सेकंड चेक करते बेटा, बच्चों CO प्लस H2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ऐसा कह रहा है। CO प्लस H2 कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस, बिल्कुल गलत बात है। प्रोड्यूसर गैस नहीं, इसे वाटर गैस कहा जाता है। CO प्लस H2 को वाटर गैस कहा जाता है, जबकि प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है बच्चों CO प्लस N2। CO प्लस N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं बेटा, ये तो होगा प्रोड्यूसर गैस, जबकि CO प्लस H2 को तो क्या कहते हैं, CO प्लस H2 को बच्चों वाटर गैस कहा जाता है। CO प्लस H2 को क्या बोलेंगे आप, वाटर गैस कहेंगे, और ये कौन है, प्रोड्यूसर गैस है, इसे क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर गैस। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा। थर्ड स्टेटमेंट चेक करो, B2S6 एंड अमोनिया आर यूज टू प्रिपेयर बोराजीन, बिल्कुल सही बात है। B3N3S6 के निर्माण में बच्चों B2S6 और अमोनिया का पार्टिसिपेशन होता है। डायवोरिन जो है B2S6, ये अमोनिया के साथ मिलकर बोराजीन का निर्माण कर लेता है, B3N3S6 का निर्माण कर लेता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बना लेता है, अकार्बनिक बेंजीन का निर्माण कर लेता है, इसलिए तीसरा भी सही है। ठीक है डियर, और बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो BF3 फॉर्म एडक्ट विद अमोनिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। BF3 जो है अमोनिया के साथ बच्चों योगात्मक उत्पाद बना लेता है। BF3 अपने आप में बच्चों कैसा है, लुईस एसिड है, और अमोनिया बच्चों अपने आप में कैसा है, लुईस बेस है, लुईस क्षार है। अमोनिया के पास तो डोनेट करने के लिए लोन पेयर होता है, BF3 के पास बच्चों लोन पेयर को ग्रहण करने के लिए सेंट्रल एटम बोरोन के पास रिक्त पी कक्षक पाया जाता है। इसलिए बच्चों यहां पर अभिक्रिया जो होगी उसमें BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है, और ये इलेक्ट्रॉन न्यून अणु बच्चों अमोनिया जो कि पिरामिडल मॉलिक्यूल आप देखते हैं, ठीक है, इसके पास लोन पेयर होगा। ये अपना लोन पेयर बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस बोरोन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से बच्चों यहां पर ये योगात्मक उत्पाद बनेगा, एडक्ट का निर्माण होगा। यहां पर ये तो लुईस एसिड है और अमोनिया बच्चों यहां पर लुईस बेस क्लैग बिहेव करेगा, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। तो बच्चों गलत कौन सा हुआ, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहां पर प्रोड्यूसर गैस के लिए CO प्लस N2 होना चाहिए था, जबकि CO प्लस H2 दे रखा है, तो जो कि वाटर गैस होता है। ठीक है डियर, तो आंसर जाएगा सेकेंड। आगे चलते हैं बेटो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है 67, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एलिमेंट्स ऑफ 14 ग्रुप, तो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में कौन सा सही है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि 14 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों कार्बन फैमिली को 14 ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN और PB, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, ये सारे बच्चों 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और इनमें दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगी, +2 तथा +4। कार्बन बच्चों नॉन मेटल है जो कि -4 तक ऑक्सीजन स्टेट शो कर देता है, जबकि मेटल्स की बात करें तो +2 और +4 दो ऑक्सीजन अवस्था आपको देखने को मिलेंगी। बेटो वर्ग के अंतिम तत्व में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से घट जाती है, जिसका कारण अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। आपने देखा होगा पीबी की जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो +2 और +4 दोनों हैं, परंतु पीबी +2 अधिक स्थायी है बच्चों पीबी +4 की तुलना में, जिसका कारण क्या देते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन देते हैं जनरली, क्या क्वेश्चन देते हैं बेटा, यहां अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो ऐसा क्वेश्चन बनता रहता है बेटो, PbCl2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू PbCl4, तो PbCl2 अधिक स्थायी है बच्चों PbCl4 से, क्योंकि यहां पर पीबी पे चार्ज कितना है +2, और यहां पर बच्चों पीबी पे चार्ज कितना है +4 है, तो पीबी +4 का अस्तित्व कम होगा, स्थायित्व कम होगा, पीबी +4 का स्थायित्व कम होगा, जिसका कारण क्या है बच्चों, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेर इफेक्ट। तो इनर्ट पेर इफेक्ट की वजह से लास्ट एलिमेंट में
एस सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इतना ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों, 32 यूनिट से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और डी एंड एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है पुअर होता है और शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो वो लास्ट एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मजबूती से पकड़ लेगा, अट्रैक्शन कर लेगा और अट्रैक्शन कर लेगा तो एस सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए लास्ट एलिमेंट पीवी में ऑक्सीजन स्टेट प्लस 2 मोर स्टेबल होता है, जबकि अन्य एलिमेंट की बात करें एसएन की बात कर लो प्लस 2 प्लस 4 दोनों शो कर रहा है परंतु प्लस 4 मोर स्टेबल होगा, सिलिकॉन की बात कर लो प्लस 4 तक शो करता है, ठीक है SiO2 बनाता है, SiF4 बनाता है, SiCl4 बनाता है, ठीक है डियर। इसी प्रकार बच्चों जर्मेनियम की बात कर लो, जर्मेनियम भी GCl2 GCl4 दोनों प्रकार के क्लोराइड्स या हैलाइड्स बनाता है। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के प्लस 2 प्लस 4 दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो करने की टेंडेंसी रखते हैं बेटा, ठीक है डियर। तो ऐसे केस में अगर बात करें बच्चों आंसर की तो हम यहां पर कहेंगे बेटा कि वर्ग 14 के जो तत्व है बच्चों, वर्ग 14 के तत्व यहां पर बच्चों वर्ग 14 के तत्व जो हैं ये प्लस 2 और प्लस 4 दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, इसका मतलब आपको आंसर देना पड़ेगा सेकंड। यहां पर बच्चों आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपको जो 67 क्वेश्चन है इस 67 क्वेश्चन के लिए आपको आंसर अगर सेलेक्ट करना है तो बच्चों यहां पर आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 67 में आपको सेकंड ऑप्शन सही नजर आ रहा है। तो अगर 67 क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन को देखें आप एग्जिबिट प्लस 2 एंड प्लस 4 ऑक्सीजन स्टेट तो प्लस 2 और प्लस 4 दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, कौन कार्बन परिवार के सदस्य। तो वर्ग 14 के जो तत्व हैं बेटा ये प्लस 2 और प्लस 4 दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। और अंतिम तत्व में वर्ग में प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्तर है तो अधिक होगा तुलनात्मक प्लस 4 के, कारण क्या है इनर्ट वेयर इफेक्ट अक्रिय प्रभाव। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट बेटो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ते हैं बेटो क्या है देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, आपसे क्या कह रहा है कि सेंट्रल एटम पर जो मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं उनमें से किस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होगा, अधिकतम लोन पेयर की संख्या किस अणु के केंद्रीय परमाणु पर होगी, किस अणु के केंद्रीय परमाणु पर सर्वाधिक लोन पेयर उपस्थित हैं, ऐसा आपको चेक करना है। तो बच्चों आपको इन सारे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, चेक करें बेटो। तो बच्चों अगर यहां देखा जाए तो ClF3 जिसमें केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है तो क्लोरीन बच्चों फ्लोरीन के 3 परमाणुओं के साथ इस तरह से टी आकृति का अणु बनता हुआ दिखाई देगा और क्लोरीन बच्चों हेलोजन है और हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से 1, 2 और 3 तो साझा कर चुका है, अभी बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और जो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बच्चों वो 2 लोन पेयर की फॉर्म में इस तरह से दिखाई देंगे। तो यहां पर क्लोरीन के पास बच्चों 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, यहां पर कितने लोन पेयर हैं 2 लोन पेयर। सेकंड मॉलिक्यूल बच्चों ये BrF5 है, इसकी स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो केंद्रीय परमाणु यहां पर भी बच्चों ब्रोमीन है और ब्रोमीन बच्चों हेलोजन है, हेलोजन है तो संयोजक उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी 5 फ्लोरीन के साथ बच्चों इस तरह से वर्ग के 4 अलग अलग कोनों पर इस तरह से आपको दिखाई देगा ये और 1 फ्लोरीन बच्चों इस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन जाएगा तो ये कैसा दिखेगा वर्गाकार और पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिड दिखाई देगा बच्चों। ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉनों में से 1, 2, 3, 4, 5 5 इलेक्ट्रॉन तो बंध निर्माण में भाग ले चुके हैं, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों 1 लोन पेयर की फॉर्म में आपको यहां पर ब्रोमीन के केंद्रीय परमाणु ब्रोमीन पे दिखाई देंगे आपको, तो 1 लोन पेयर दिखाई देगा यहां पर बच्चों। नेक्स्ट मॉलिक्यूल XCF2 जीनोन डाइफ्लोराइड जिसमें केंद्रीय परमाणु कौन है बेटा जीनोन, जीनोन तो बच्चों अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस के संयोजक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते बेटा, तो जीनोन की अगर बात कर रहे हैं आप तो जीनोन इस तरह से 2 फ्लोरीन के परमाणुओं के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन अभी बचेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे बेटा वो इस तरह से 3 लोन पेयर के फॉर्म में दिखाई देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं बच्चों वो 3 लोन पेयर की फॉर्म में आपको इस तरह दिखाई देंगे और इस XCF2 अणु की जो आकृति है बच्चों वो आपको रेखीय दिखाई देगी, ये जो XCF2 है बच्चों ये कैसा दिख रहा है रेखीय दिख रहा है और 3 लोन पेयर इस जीनोन की केंद्रीय परमाणु पर दिखाई देंगे, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखें BF4 माइनस,
केंद्रीय परमाणु बच्चों बोरोन है और बोरोन के संयोजक उसमें तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस BF4- की संरचना बनाई जाए तो बच्चों तीन फ्लोरीन के साथ तो ये एक ही तल में साझा कर लेगा, और बच्चों चौथा फ्लोरीन जो है F- की फॉर्म है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा। तो आप देख सकते हैं 1σ, 2σ, 3σ, 4σ, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, साथ में इसके पास केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर जीरो लोन पेयर है, जबकि XeF2 में बच्चों 1, 2, 3 तीन तीन लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो सर्वाधिक लोन पेयर की संख्या जो है बच्चों आपको XeF2 में दिखाई देगी, तो अधिकतम लोन पेयर मैक्सिमम लोन पेयर जो है वो XeF2 में दिखाई देंगे, इसलिए आपका आंसर जाएगा बच्चों थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए आपको आंसर देना पड़ेगा थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर अकर्ड ऑन जीनोन। आगे चलते हैं बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, देखिए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं बेटो, क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ेंगे बेटा, पहले देखते हैं। द यूनिट सेल ऑफ बाइनरी एलॉय कंपोज्ड ऑफ ए एंड बी मेटल्स हैज ए CCP स्ट्रक्चर विद ए एटम्स ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर्स, ठीक है। ए एटम्स जो है बच्चों ये तो कहां पर है, एटम्स ऑफ ए ये तो ऑक्यूपाई कर रहा है कहां पर बेटा, कॉर्नर्स पे, और बी एटम्स जो है बच्चों ये ऑक्यूपाई कर रहा है सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, यानी कि ईच फेस सेंटर पर ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है डियर। फर्दर क्या कह रहा है, इफ ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द अलॉय इन द यूनिट सेल 2A एटम्स आर मिसिंग द ओवरऑल कंपोजिशन पर यूनिट सेल, तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना है 8 है, उन 8 कॉर्नर्स में से 2 कॉर्नर्स से एटम ए गायब है, डिसअपीयर है, तो अब जो एटम ए है वो बच्चों 6 कॉर्नर पर रह जाएगा, जबकि बी एटम्स से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तो बी एटम्स जो होगा वो फेस सेंटर पर है, इसका मतलब 6 फेस सेंटर होंगे और ए एटम से वो कॉर्नर पर है। तो यहां पर अगर फॉर्मूला देखा जाए तो सिंपलेस्ट रेशो क्या नजर आएगा देखते हैं। तो बच्चों ए एटम्स जो है वो 8 में से 2 कॉर्नर से डिसअपीयर है, तो 6 कॉर्नर पर है, और कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन बच्चों 1/8 लेंगे, ठीक है। और एटम्स ऑफ बी कहां पर है बच्चों, फेस सेंटर पर है, तो 6 फेस सेंटर पर होगा, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन बच्चों हाफ लेंगे, 50% लेंगे। तो यहां से आप कैलकुलेट करें इसको, तो ये तो बेटा आपको मिल रहा है 3/4, और बच्चों बी जो है ये कितना मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। तो बच्चों यहां से अगर सिंपलेस्ट रेशियो कर दें तो ए तो कितना है 3/4 और बी कितना है बच्चों 3, तो 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एलसीएम 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, यहां बच्चों ए 3 और बी 12, इस तरह का फॉर्मूला दिख रहा है, क्या फॉर्मूला बन चुका है, ए 3 और बी 12, और सिंपल करेंगे बच्चों 3 से 4 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ए बी 4 फॉर्मूला क्या दिखेगा, ए बी 4 टाइप। तो आपको यहां पर इस मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला जो बनता दिख रहा है वो ए बी 4 दिखाई देगा, तो आपको आंसर देना पड़ेगा बच्चों 4। इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर देना पड़ेगा बच्चों 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ए बी 4 इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बेटा, हां तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, ये आपके सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है देखो बेटा, ऑल ऑफ द वाटर ऑफ 0.2 mL सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज इवेपोरेटेड एंड 0.15 mol ऑफ NaCl वाज ऑब्टेन्ड, ठीक है। एक्वो सॉल्यूशन किसका है, NaCl का है, और 0.15 mol ऑफ NaCl बेटा रह गया है वो जो वाटर है उसको वेपराइज कर दिया गया है, ठीक है। देन वॉट वॉज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, आपसे कह रहा है कि जो इनिशियली सैंपल था जिसकी मोलरिटी 0.25 mL थी उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, ये आपसे बच्चों क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है डियर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितना मिल रहा है बच्चों यहां पर 0.15, मोलरिटी कितनी है 0.2 mL, और बच्चों यहां से अगर अपन वॉल्यूम निकाल लें तो आपको ओरिजिनल वॉल्यूम पता लग जाएगा, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, मोलरिटी इक्वल टू दी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मोलरिटी कितनी है बेटा 0.2, और वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना है 0.15, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू दी
बच्चों 0.15 अपॉन 0.2, ठीक है। यहां से बच्चों इसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो इंक्रीज करेंगे तो 1.5 हो गया। तो 1.5 बाई 2 आ रहा है, 1.5 बाई 2 इट मीन 0.75 आ रहा है। तो बच्चों 0.75 तो लीटर है, बच्चों 0.75 तो क्या है, लीटर, हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों 0.75 इंटू 1000, ठीक है। तो यहां से आपको 750 ml ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा, यहां से बच्चों आपको आयतन मिल जाएगा 750 ml, ये आपका वॉल्यूम का आंसर होगा। तो आंसर जाना चाहिए बच्चों थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वॉल्यूम फॉर ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl के एक्चुअल मोल्स कितने हैं, 0.15, मोलरिटी सॉल्यूशन की दे रखी है बच्चों 0.2, और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मोलरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना था इसलिए मैंने बच्चों यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, तो बच्चों कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आयोनाइजेशन बीइंग 100%। यहां पर काम की बात क्या है बेटो, काम की बात है कि जो आयोनाइजेशन है वो कितना है, 100% है, यानी कि जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 100% है, डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन कितना है, 100% है। अब बच्चों अगर कहीं पर भी अल्फा 100% होता है, काम की बात क्या है, अगर डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन 100% है तो बच्चों वांट ऑफ फैक्टर स्मॉल आई का मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस के इक्वल हो जाता है। जब जब अल्फा का वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 100% होगा तो बच्चों वहां पर वांट ऑफ फैक्टर स्मॉल आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस के इक्वल ऑब्टेन होती है, ऐसा हमको यहां पर देखने को मिलता है। तो बच्चों हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, यहां पर 0.05 NaNO3 लिया हुआ है, तो बच्चों NaNO3 ये डिसोसिएट होगा टू पार्टिकल्स में, NaNO3 डिकम्पोज होगा एक सॉल्यूशन में बच्चों, Na प्लस प्लस NO3 माइनस, इस तरह से आयोनाइज होगा। अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं टू पार्टिकल्स बना रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 मिल जाएगा। इस तरह से अपने को इस ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। इसी तरह बच्चों अब यहां पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको यहां पर कैलकुलेट करना है मोलरिटी, मोलरिटी के इक्वल है, ठीक है डियर। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों ध्यान रखें, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेंट ऑफ फैक्टर आई इंटू मोलरिटी एम के। फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेंट ऑफ फैक्टर आई एंड स्मॉल एम, तो आई इंटू एम का प्रोडक्ट करते जाओ, जहां पर आई इंटू एम का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो आई इंटू एम यानी मोलरिटी और वेंट ऑफ फैक्टर का जो प्रोडक्ट है, जहां पर सबसे कम होगा उसी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में बच्चों आपको कमी देखने को मिलेगी, डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, और जब फ्रीजिंग पॉइंट में डेफिशिएंसी होगी, सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी कहां पे होगी, जहां पे वेंट ऑफ फैक्टर आई और मोलरिटी का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा, वहीं पर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। देखते बच्चों चेक करें, यहां तो आ रहा है आई का वैल्यू 2 और मोलरिटी कितनी है 0.05, तो यहां तो क्या करेंगे आप 0.05 इंटू 2 कर देंगे, यहां से आपको आई इंटू एम मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों यहां देखें तो यहां पर भी Cu+2 और SO4-2, यहां पर भी आई वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। यहां बात करें बच्चों सुक्रोज है, ये तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो सुक्रोज C12H22O11 ये बच्चों कैसा है, पॉलीमर है, या सॉरी ये डाइसैकेराइड है बच्चों, और डाइसैकेराइड है तो यहां पर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो बच्चों यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू 2 होगा, ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता, इसमें आयंस पॉसिबल नहीं होंगे। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कोवेलेंट नेचर के हैं, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, बेंजीन है, इन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए वेंट ऑफ फैक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों 1 लिया जाता है। तो सुक्रोज के लिए यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर का मैग्नीट्यूड आप कितना लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है डियर। इसी तरह बच्चों यहां BaCl2 को देखें तो Br+2 और 2Cl-, इसलिए 2+1 यानी कि यहां पर आई वैल्यू 3 मिलेगी बेटा, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल बेटो 3 देखने को मिलेगा,
ठीक है डियर, तो आई इंटू एम यहां पर भी कर लेंगे आप, तो सबसे ज्यादा आई इंटू एम जहां पर मिलेगा वहीं पर आपको बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, यहां 3 × 0.04 करेंगे तो 0.12 आ जाएगा, यहां 0.075 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0. ये आप इसको लिख सकते हैं 75 × 10⁻³ और 1 तो 0.15 मिलेगा, ये तो मिलेगा आपको 0.15, ये आपको कितना मिल रहा है 0.12 और बच्चों यहां पर 0.14 है ऑलरेडी दिख रहा है क्योंकि 1 है वेंट फैक्टर, तो यहां पर बच्चों यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वैल्यू कितना है यहां पर एन ए प्लस और एन ओ थ्री माइनस, तो आई वैल्यू 2 आएगा, ये तो सुक्रोज के लिए आई वैल्यू 1 और यहां पर एन एन ओ थ्री के लिए आई वैल्यू 2 आएगा, तो 2 × 0.05 करेंगे तो बच्चों यहां पर आपको 0.1 मिलेगा। तो सबसे ज्यादा आई इंटू एम किसका मिल रहा है, सबसे ज्यादा आई एम इंटू एम मिल रहा है बच्चों आपको सेकेंड ऑप्शन में, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों सेकेंड ऑप्शन का होगा, सबसे कम होगा सेकेंड ऑप्शन का, फिर बच्चों आपको 0.14 मिल रहा है मतलब थर्ड का मिलेगा बिल्कुल ठीक है, फिर बच्चों आपको 0.12 मिल रहा है फोर्थ का मिल रहा है बिल्कुल सही है, और फिर आपको बच्चों फर्स्ट का मिल रहा है 0.1, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर जाएगा आपको बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट ऑप्शन सबसे बढ़िया आंसर मिल रहा है जिसमें मैक्सिमम जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फर्स्ट ऑप्शन के लिए है और मिनिमम जो फ्रीजिंग पॉइंट रह जाएगा वो बच्चों यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन के लिए देखने को मिलेगा। इस तरह से बच्चों यहां पर आंसर देंगे आप फर्स्ट, ठीक है डियर आगे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 72 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों, विद्युत रसायन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते क्या क्वेश्चन है पढ़ते बेटा पहले। तो बच्चों एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, एल्यूमिनियम सॉलिड टू एल प्लस 3 0.1 मोलर डी एल्यूमिनियम कैटायन की, सीएल माइनस 0.1 और सीएल2 जिसका प्रेशर 1 बार है, प्लेटिनम क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोड का रोल प्ले कर रहा है, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल दे रखा है आपको बच्चों, ई नॉट सेल का जो मैग्नीट्यूड है, ई नॉट सेल का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 3.02 दे रखा है, ठीक है एट 298 केल्विन। तो सेल पोटेंशियल ऑफ गिवन सेल इज, सबसे पहले बच्चों अगर आप इस गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल का रिएक्शन बना लें तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखें जो भी सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है उस सेल के रिप्रेजेंटेशन से सबसे पहले आपको बच्चों सेल के लिए बैलेंस रिएक्शन बना लेना चाहिए। आप जैसे ही सेल के लिए बैलेंस रिएक्शन बना लोगे उसके बाद आप नेक्स्ट इक्वेशन यूज करोगे, क्योंकि आपको बच्चों यहां पर कैटायन और एनायन यानी कि आपको कैथोड और एनोड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है, और जब जब आपको कैथोड और एनोड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन देगा तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप ई सेल इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि नेक्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेंगे, देखते बच्चों क्या रहेगा। सबसे पहले आप यहां पर बच्चों बैलेंस रिएक्शन बनाए, तो एल्यूमिनियम एनोड के लिए बिहेव कर रहा है, ठीक है एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस सीएल माइनस आयंस एक्वस, बच्चों प्रोडक्ट बनेगा एल प्लस 3 एक्वस जैसा कि दे रखा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और साथ में सीएल माइनस बच्चों सीएल2 गैस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके डियर अब इसे आप बैलेंस कर ले बेटो, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है बेटा यहां पर, तो आपको यहां पर बच्चों 2Al लेना पड़ेगा, 2Al से 2Al प्लस 3 बनेगा और 6Cl माइनस लेना पड़ेगा बच्चों जिससे 3Cl2 बनेगा, ठीक है डियर, क्योंकि 6Cl माइनस ये 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इधर 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये 2Al प्लस 3 बना लेगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 3Cl2 में रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए बच्चों यहां पर n वैल्यू जो होगी वो 6 आएगी, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब बच्चों आपको जो गिवन रिएक्शन है उसकी हेल्प से आप इजीली नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है देखें कैसे, ई सेल कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल बच्चों दे रखा है क्वेश्चन में 3.02, ठीक है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन वैल्यू 6 लेंगे, लॉग बेस 10, प्रोडक्ट्स कौन कौन है बच्चों, प्रोडक्ट्स देखे जाए तो यहां पर एल प्लस 3 की कंसेंट्रेशन है, तो एल प्लस 3 कंसेंट्रेशन की स्टोइकोमेट्री 2 है
तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और साथ में Cl2 का प्रेशर तो 180 में, तो इसको आप कंसीडर भी ना करें तो भी चलेगा, वैसे Cl2 प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 3 रखना पड़ता अपॉन, यहां पर बच्चों आपको नीचे Cl- की कंसंट्रेशन का पावर 6 लेना पड़ेगा, Cl- की कंसंट्रेशन की पावर 6 लेना पड़ेगा, और अपॉन में एल्यूमिनियम सॉलिड है जिसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा। तो फाइनली काम की बात कौन कौन है, Al+3 की पावर 2 और Cl- की पावर 6, इन दोनों की कंसंट्रेशन आप यहां पर पुट कर दें, ठीक है, और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो एल्यूमिनियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, 0.1, तो ये तो हो जाएगा ऊपर 0.1 का स्क्वायर, और नीचे बच्चों क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा, ये 0.1 की पावर 6 हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.1 की पावर 6, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है डियर। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करें, ये कैलकुलेशन होगा फाइनली आपको बच्चों फोर्थ ऑप्शन कैलकुलेट करने पर ऑप्टेन होगा। ये मैंने सारे डेटा पुट कर दिए, सारा रिएक्शन लिख दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लिया है, यहां से बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से 3.10 वोल्ट इस क्वेश्चन के लिए वोल्टेज या पोटेंशियल ऑब्टेन होगा, ठीक है डियर। इसके बाद आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। फॉर ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन टू एनओ प्लस ओ टू गिव्स टू एनओ टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे बच्चों यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आपको यहां पर बच्चों डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे बनाओगे देखें, स्टोइकोमेट्री 2 है, रिएक्टेंट है, तो -1/2 डी एनओ अपॉन डी टी इक्वल टू दी माइनस डी ओ टू अपॉन डी टी इक्वल टू दी प्लस 1/2 डी एनओ टू अपॉन डी टी, और बच्चों ये सारा कुछ मिला के रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है डियर। अब बच्चों आपने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन लिखा जाए तो एनओ की स्टोइकोमेट्री 2 है तो एनओ की पावर 2 हो जाएगा, ओ टू की स्टोइकोमेट्री 1 है तो ओ टू की पावर 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन फर्स्ट को चेक करें बच्चों, माइनस डी एनओ अपॉन डी टी इक्वल टू दी के इंटू एनओ की पावर 2 इंटू ओ टू की पावर 1। बच्चों यहां पर आपको दिख रहा है कि एनओ की पावर यहां से स्टोइकोमेट्री से 1/2 होना चाहिए था, हमने यहां पर क्या लिखा था 1/2, बट यहां पर क्या लिख रहा है ओनली 1 लिख रहा है, इसलिए ये कैसा है इनकरेक्ट हुआ। बच्चों सेकंड ऑप्शन को देखें तो माइनस तो है, डी ओ टू अपॉन डी टी भी है, इसका मतलब माइनस भी है और डी ओ टू अपॉन डी टी है, इसका मतलब ये करेक्ट है, यहां पर ये करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन को चेक करें बेटा तो प्लस डी ओ टू अपॉन डी टी आ रहा है, तो जो कि रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, और अगर रिएक्टेंट है ऑक्सीजन तो यहां पर प्लस यूज में नहीं ले सकते आप, इसलिए ये कैसा हुआ, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही है, ऑल आर करेक्ट, जो कि बिल्कुल गलत हो चुका है, ठीक है डियर। इसलिए आपको यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेगा ओनली सेकंड देखने को मिलेगा, इसका मतलब आपका आंसर बच्चों यहां पर क्या जाएगा, सेकंड चला जाएगा, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फॉलोइंग इक्विलिब्रियम स्टेबलाइजेस इन ए 2 लीटर कंटेनर विद 1 मोल ऑफ अमोनिया, यानी कि बच्चों अमोनिया का जो मोल है वो तो 1 है और कंटेनर का जो वॉल्यूम है बच्चों 2 लीटर लिया हुआ है, ठीक है डियर। अब बच्चों आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, 2 मोल्स ऑफ NH3 रिवर्सिबली फॉर्म N2+3H2, ठीक है डियर। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी 0.15 m, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम विल बी, ठीक है डियर। अमोनिया के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा हुआ है, वियोजन की कोटि पूछा हुआ है, ठीक है बेटा। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चों अमोनिया की इनिशियली आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए मोल्स कितना दे रखा है, 1 मोल, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर, तो 1/2 मोल पर लीटर यानी कि 0.5 m, ये आपके पास इनिशियल मोलरिटी आ गया है अमोनिया के लिए, ठीक है। इनिशियली बच्चों नाइट्रोजन कितना बनेगा 0 और हाइड्रोजन भी कितना बनेगा 0 के इक्वल बनेगा। अब बच्चों अमोनिया को डिसोसिएट करना है तो 0.5 - 2x इस तरह डिसोसिएट होगा, नाइट्रोजन बच्चों x के इक्वल मिलेगा और हाइड्रोजन बच्चों 3x के इक्वल ऑब्टेन होगा। अब बच्चों यहां से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी आपको पड़े तो आपको नाइट्रोजन के लिए मोलरिटी दे रखा है बच्चों इक्विलिब्रियम पर, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितना है इक्विलिब्रियम पर 0.15, यानी कि आपको x की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है उसने, तो x की वैल्यू जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की इक्वल है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 0.15 m, तो x का वैल्यू मिल चुका है 0.15।
ये एक्स की वैल्यू आप बच्चों यहां पर अगर पुट कर देंगे तो आपको प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन ऑब्टेन हो जाएगा, यानी कि 0.5 माइनस 2 इंटू 0.15। यहां से बच्चों आपको इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की कंसंट्रेशन ऑब्टेन हो जाएगी, जो कि ये देख रहे हैं 0.3 हो जाएगा, और 0.5 में से माइनस होगा तो 0.2 बचेगा। बट हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। तो इसके लिए आप बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, एन एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा। यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे बेटो एन एक्स बराबर ए अल्फा। एन क्या है, स्टोइकोमेट्री, तो अमोनिया की स्टोइकोमेट्री यहां पर 2 है। एक्स का मान बच्चों कितना आया है, 0.15। स्मॉल ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5। और अल्फा का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है बेटा, तो अल्फा इक्वल टू दी, यहां से अल्फा का वैल्यू आएगा बेटा ये 0.3 हो जाएगा, तो 0.3 अपॉन 0.5, ये आपके पास बच्चों 3/5 इंटू 100, ये आपके पास बच्चों अल्फा का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी कि ये 20 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 20 × 3 = 60%, यानी कि आपको यहां से अमोनिया का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 60% देखने को मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर बच्चों फर्स्ट देना पड़ेगा, यहां से आपको अमोनिया के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 60% ऑब्टेन हुआ है, आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है डियर, आगे चलते बेटो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, क्या क्वेश्चन है देखें बेटा, 100 ml ऑफ 0.1 m NH4OH इज मिक्स्ड विद 25 ml ऑफ 0.1 m H2O4। ठीक है डियर, द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, क्या दे रखा है, गिवन PKB ऑफ NH4OH इज 4.75। ठीक है डियर, यहां पर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको H2O4 के लिए वैलेंस फैक्टर 2 मिल रहा है, NH4OH के लिए वैलेंस फैक्टर 1 मिल रहा है, ऐसे केस में आपको यहां पर बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा NH4OH का H2O4 के साथ। ध्यान रखें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में नॉर्मलिटी को यूज करते हैं, तो कंसंट्रेशन जब भी यूज करेंगे नॉर्मलिटी की टर्म में यूज करेंगे, मोलरिटी की टर्म में आप कंसंट्रेशन को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा NH4OH का H2O4 के साथ, देखते हैं क्या सॉल्ट बनता है या बफर बनता है, चेक करते बेटा। तो बच्चों इनिशियली क्या रिएक्शन बनेगा, NH4OH प्लस H2O4 गिव्स NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है डियर, ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा, और यहां पर आपको वीक बेस के लिए 2 मोल्स ऑफ NH4OH लेना पड़ेगा। अब बच्चों आपको NH4OH की मोलरिटी कितनी दे रखी है, 0.1, तो मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है। ठीक है, तो M into V से मोल बन गया, और अगर बात करें वैलेंसी फैक्टर की तो NH4OH का वैलेंस फैक्टर बच्चों 1 होगा, इसलिए इसका मिलीक्वलेंट जो होगा वो 10 मिलीक्वलेंट आ रहा है, यहां से आपको 10 मिलीक्वलेंट इसका मिलेगा, यहां से इसका मिलीक्वलेंट कितना मिल रहा है, 10 मिलीक्वलेंट ऑब्टेन हुआ है। ठीक है डियर, H2O4 के लिए बात करें बेटा, तो H2O4 के लिए मोलरिटी कितनी दे रखी है, 0.1, वैलेंस फैक्टर 2 होगा, और बच्चों वॉल्यूम कितना है, 25 मिलीलीटर, तो यहां से बच्चों इसका मिलीक्वलेंट देखा जाए तो ये 50 × 0.1 यानी कि 5 मिलीक्वलेंट मिल रहा है, तो H2O4 का मिलीक्वलेंट कितना बच्चों, 5 मिलीक्वलेंट है। अब यहां से बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से इसको सॉल्व किया जाए तो 10 माइनस एक्स, ध्यान रखें मिलीक्वलेंट से सॉल्व कर रहा हूं इसलिए स्टोइकोमेट्री को यूज नहीं करूंगा, इधर इसको 5 माइनस एक्स लिखेंगे तो बच्चों इसकी अमाउंट कम है इसलिए एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट कौन मिलेगा, H2O4 मिलेगा, ये यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है डियर, तो H2O4 तो फिनिश हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड फिनिश हो गया, मतलब मीडियम में कौन बचेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, वीक बेस बच रहा है, और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट बच रहा है, इसका मतलब बच्चों यहां पर बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, यहां पर बच्चों बेसिक बफर सॉल्यूशन बनेगा, और बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले पीओएच कैलकुलेट की जाती है। ध्यान रखें बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो पीओएच कैलकुलेट करेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता तो पीएच कैलकुलेट किया जाता। अब यहां पर
सॉल्ट और जो वीक बेस है उसके मिलिक्युलेंट्स कितने बच रहे हैं उसको चेक कर लेते हैं बेटा। तो बच्चों एक्स का वैल्यू 5 पुट कर दें यहां पर, तो यहां पर तो बचेंगे आपको वीक बेस के लिए 5 मिलिक्युलेंट्स, वीक बेस के लिए 5 मिलिक्युलेंट्स, और ये सॉल्ट एक्स के इक्वल बनेगा बच्चों, यानी कि इसका भी कितना बनेगा 5 मिलिक्युलेंट्स ही ऑब्टेन होगा बेटा, ठीक है डियर। तो अब बच्चों हमको पीओएच के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो पीओएच के लिए अगर फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, मिलिक्युलेंट तो सिमिलर ही आ रहा है, तो ऐसे केस में बच्चों यहां पर पीओएच देखें, पीओएच इक्वल टू दी पीकेबी प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 5 मिलिक्युलेंट है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेस कितना आ रहा है ये भी 5 मिलिक्युलेंट्स बच रहा है, ऐसे केस में 5 से 5 कैंसिल होगा तो लॉग 1 हो जाएगा, लॉग 1 0 हो जाएगा, और यहां से पीओएच का मैग्नीट्यूड पीकेबी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है डियर। और पीकेबी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, पीकेबी कितना दे रखा है NH4OH के लिए 4.75, तो बच्चों पीकेबी 4.75 है जो कि पीओएच के इक्वल है, हमको क्या पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है पीएच, तो 14 में से माइनस कर दो, 14 माइनस 4.75 कर देंगे, तो यहां से बच्चों आपको पीएच ऑब्टेन हो जाएगा, तो देख सकते हैं बच्चों 9.25 आपको फाइनली पीएच का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर आपको 9.25 देना पड़ेगा, ठीक है डियर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला गया बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट चला जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या देंगे बेटा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 75, और नेक्स्ट बात करेंगे बेटो क्वेश्चन नंबर 76, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते बेटो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू शो मैक्सिमम वैलेंसी इन चार्जलेस स्पीसीज, यानी कि एटम की बात कर रहा है, और मैक्सिमम वैलेंसी कौन शो करेगा ऐसा आपसे पूछा हुआ है। तो बच्चों मैक्सिमम वैलेंसी डिपेंड करती है आउटमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, आउटमोस्ट सेल में जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही सबसे ज्यादा वैलेंसी आपको यहां पर शो करता हुआ दिखाई देगा। तो बच्चों क्लोरीन की बात करें तो हेलोजन है, और हेलोजन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे ज्यादा वैलेंसी तो शो करेगा बच्चों, मैक्सिमम जो वैलेंसी शो करेगा यहां पर ये तो कौन शो करेगा बच्चों, क्लोरीन, हेलोजन, ये बच्चों +7 तक वैलेंसी शो कर सकता है, ठीक है। सल्फर की बात करें तो बच्चों वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए सल्फर मैक्सिमम +6 शो करेगा। फास्फोरस के वैलेंस सेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होता है, फास्फोरस मैक्सिमम +5 शो करेगा। सिलिकॉन कार्बन फैमिली का एलिमेंट है बच्चों, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंस सेल की वजह से मैक्सिमम +4 शो करेगा। इस तरह का आपको आंसर दिखना चाहिए, यानी कि मिनिमम तो होगा बच्चों सिलिकॉन के लिए, मैक्सिमम होगा क्लोरीन के लिए। तो बेटा यहां पर अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो मिनिमम सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए +4, फास्फोरस के लिए +5, सल्फर के लिए बच्चों +6, और क्लोरीन के लिए मैक्सिमम +7 होगा। इट मींस आपको सेकंड ऑप्शन बेटा सबसे बढ़िया आंसर दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर मैक्सिमम वैलेंसी का आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है डियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखिए बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कौन सा सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है ऐसा आपसे पूछा हुआ है। देखते बच्चों क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है PtCN4 2- इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है बच्चों, प्लेटिनम और पैलेडियम के सारे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बनते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा DSP2, तो DSP2 हाइब्रिडाइज्ड इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है डियर। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते बेटो, Fe H2 का होल 6 3 प्लस इज वीक पैरा मैग्नेटिक इन कंपेयर टू Fe CN का होल 6 माइनस 3, बच्चों यहां Fe+3 के साथ वाटर जो है वो वीक लिगेंड के लिए बिहेव करेगा, Fe+3 के साथ वाटर वीक लिगेंड है, जबकि अमोनिया यहां पर जो देखने सॉरी यहां पर जो साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए बिहेव करेगा, तो साइनाइड बच्चों यहां पर
पेयरिंग करवा देगा, या Fe पे चार्ज कितना बच्चों Fe प्लस थ्री में है, Fe प्लस थ्री में होगा तो बच्चों आउटमोस्ट सेल का कॉन्फिगरेशन होगा 3d5, और अगर आउटमोस्ट सेल में 3d5 है तो अगर डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाए बेटो तो 3d सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा 5, और Fe प्लस थ्री में बच्चों कॉन्फिगरेशन क्या रह जाएगा 3d5। ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का, ये तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में होगा, बट जैसे ही लिगेंड अगर साइनाइड है बच्चों, अगर लिगेंड साइनाइड है तो पेयरिंग करेगा तो ऐसे केस में आपको कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा बच्चों 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह का कॉन्फिगरेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर लिगेंड कैसा है बच्चों, लिगेंड अगर स्ट्रांग है, और अगर लिगेंड स्ट्रांग है बच्चों तो यहां पर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, यहां तो साइनाइड की प्रेजेंस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहा है 1। बच्चों अगर वाटर होता तो वीक लिगेंड होता, और वीक लिगेंड होगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होगा। ऐसे केस में वाटर वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, मोर पैरामैग्नेटिक होगा एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स ऑफ साइनाइड। ठीक है डियर, तो ऑप्शन को वापस देख लें, Fe(H2+)3+ इज वीक पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल गलत बात है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ बेटा, यही नॉट करेक्ट है, यहां पर सेकंड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हुआ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते बेटो, Fe(CuO5) इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स, आयरन पेंटा कार्बोनिल जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों जो Fe(CuO5) है इसमें Fe का हाइब्रिडाइजेशन होगा DSP3, और अगर Fe का हाइब्रिडाइजेशन DSP3 है तो इसकी ज्योमेट्री बच्चों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखने को मिलेगी। अगर इसकी शेप देखी जाए तो बच्चों सेंट्रल एटम आयरन, इसके साथ कार्बन मोनोक्साइड, कार्बोनिल लिगेंड, इस तरह से 3 कार्बन मोनोक्साइड तो बेटो एक प्लेन में देखने को मिलेंगे, और 2 कार्बन मोनोक्साइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखने को मिलेगा, इस तरह का शेप देखने को मिलेगा बच्चों Fe(CuO5) के लिए, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा DSP3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक है डियर, तो बच्चों ये भी सही हो गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट देखते बेटा, Fe(C2O4)3- इज मोर स्टेबल देन Fe(H2+)3+, बिल्कुल सही बात है बेटा। बच्चों यहां पर ऑक्सिलेट कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, और अगर ऑक्सिलेट बाइडेंटेट लिगेंड है बच्चों तो चिलेशन होगा, यहां पर किलेटीकरण होगा, बलयकरण होगा, चिलेशन से चिलेट रिंग बनेंगे, और चिलेशन अपने आप में एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, स्थायित्व को बढ़ा देगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बच्चों आपको यहां पर इनकरेक्ट जो देखने को मिल रहा है ओनली सेकंड इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, सेकंड इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, इसका मतलब आंसर सेकंड जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं बेटा पहले, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों बात हो रही है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा, सबसे पहली बात एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको बच्चों क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और उनमें भी लेंथ नेट्स और एक्टिनेट्स दो प्रकार के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब बच्चों ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो बच्चों यहां पर पहला जो ऑप्शन है आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सीरियम एग्जिबिट +4 ऑक्सीजन स्टेट, बिल्कुल सही बात है बच्चों, सीरियम और टर्बियम, बच्चों सीरियम और टर्बियम दोनों +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, सीरियम +4 शो करता है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन दोज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है बेटा ये भी, क्योंकि इनके साइज लार्ज होंगे बेटा इसलिए मोर स्ट्रॉन्गर बेस बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ यूरोपियम 4f7 5d0 6s2, बिल्कुल सही बात है बेटा, 63 एटॉमिक नंबर यूरोपियम के लिए हाफ फील्ड 4f7 पाया जाएगा, ये भी करेक्ट है। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन देखिए बेटा, ऑल द लेंथेनाइड्स आर रिडक्टिव, इनकरेक्ट है बेटा, यही यहां पर आंसर जाएगा, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, ध्यान रखें लेंथेनाइड्स में केवल और केवल 61 प्रोमीथियम ही रेडियोएक्टिव नेचर का होता है, जबकि ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियोएक्टिव नेचर, व्हाइल लेंथेनाइड्स में केवल और केवल 61 प्रोमीथियम जो कि सिंथेटिक एलिमेंट है, मानव निर्मित तत्व है, और 61 प्रोमीथियम ही एकमात्र रेडियोएक्टिव तत्व है बेटा, लेंथेनाइड्स में
ओनली 61 प्रोमीथियम, जबकि एक्टिनेट्स में बच्चों सारे के सारे एक्टिनेट्स रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है डियर, इसलिए फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा फोर्थ। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बेटो ये था क्वेश्चन नंबर 78, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं। KMnO4 एंड K2Cr2O7 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट देयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर। KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों बच्चों कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात है। अब दोनों के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन कौन से इनकरेक्ट है आपको ऐसा चेक करना है, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, देखते हैं बेटो। तो नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहा है बेटा, यहां क्या पूछ रहा है नॉट करेक्ट। तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखें, पहला स्टेटमेंट, इन एसिडिक मीडियम परमैंगनेट आयन यानी MnO4- ऑक्सीडाइजेस ऑक्सलेट आयन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। C2O4-2 को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है MnO4-, बिल्कुल सही है बच्चों। क्या रिएक्शन बनता है, MnO4- प्लस C2O4-2, ये एसिडिक मीडियम में बच्चों Mn+2 प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन कर लेता है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो CO2 ऑक्सीडाइज होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखें बच्चों, डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन इन एसिडिक मीडियम, ये भी सही बात है बच्चों। Cr2O7-2 इटसेल्फ Cr+3 में चला जाएगा और I- आयंस को बच्चों I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखते बेटा, इन वीक बेसिक मीडियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस आयोडीन आयन, आयोडाइड आयन को किस में भेज रहा है, इनटू IO3-, ये भी सही है बेटा। अगर मीडियम वीक बेसिक है तो IO3- का फॉर्मेशन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, याद रखना है। और लास्ट में कह रहा है डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजेस सल्फर इनटू H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गलत बात है। अगर ऑक्सीडाइज करता तो बच्चों सल्फर पे तो चार्ज क्या है जीरो, और अगर ये H2S में जाता तो H2S में सल्फर पे चार्ज क्या आएगा -2 आएगा, और -2 अगर आ रहा है तो जीरो से -2 में तो रिड्यूस हो रहा है, और जीरो से -2 में रिड्यूस हो रहा है तो डाइक्रोमेट की नेचर रिड्यूसिंग एजेंट की नहीं है। डाइक्रोमेट में सेंटेटम क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +6 में है, इसलिए डाइक्रोमेट ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए बिहेव करता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा बेटा, ठीक है। तो सल्फर को H2S में नहीं भेजता है, H2S को सल्फर में भेजता है, इसका अपोजिट सही हो जाता बेटा, इसलिए ये कैसा है इनकरेक्ट है, और आपसे बच्चों नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है, इसलिए फोर्थ आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है डियर। तो आंसर विल बी फोर्थ। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ई नॉट वैल्यूज फॉर M+3 to M+2 कन्वर्जन, यानी कि मेटल आयन की +3 वैलेंसी से +2 वैलेंसी के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, इस बारे में हमको यहां पर बातें करनी बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा, ई नॉट ऑफ Fe+3 to Fe+2 इज मोर पॉजिटिव देन ई नॉट ऑफ Mn+3 to Mn+2। बच्चों Fe+3 से Fe+2 की SRP की बात कर रहा है, मोर पॉजिटिव होगा ऐसा कह रहा है, देन Mn+3 to Mn+2 गलत बात है बेटा। Fe+3 से Fe+2 का मोर पॉजिटिव नहीं होगा, Mn+3 से Mn+2 का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आपको मोर पॉजिटिव SRP देखने को मिलेगा, ठीक है डियर। नेक्स्ट बच्चों सेकंड ऑप्शन में कह रहा है E नॉट ऑफ Cr+3 to Cr+2 इज मोर पॉजिटिव देन E नॉट ऑफ Mn+3 to Mn+2, ये भी बच्चों इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग मोर पॉजिटिव Mn+3 से Mn+2 देखने को मिलेगा, ठीक है डियर। और थर्ड में कह रहा है E नॉट ऑफ Fe+3 to Fe+2 एंड E नॉट ऑफ Cr+3 to Cr+2 आर मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू Mn+3 एंड Mn+2, ये तो फिर से वही बात होगी बेटा, इसलिए ये भी कैसा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन देखते बच्चों, E नॉट ऑफ Mn+3 to Mn+2 इज मोर पॉजिटिव देन E नॉट ऑफ Fe+3 to Fe+2 एंड Cr+3 to Cr+2, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Mn+3 से Mn+2 के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि SRP का मैग्नीट्यूड मोर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि मोर नेगेटिव देखने को मिलेगा Cr+3 से Cr+2 का और Fe+3 से Fe+2 का, ठीक है डियर। इसलिए फोर्थ करेक्ट है, इसलिए फोर्थ आपको आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा।
इट मीन्स फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन के लिए आंसर आपने फोर्थ दे दिया है। नेक्स्ट आगे चलते बेटा, और ये था क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर केमीजॉप्सन, यानी कि केमिकल एडजॉप्शन के बारे में कौन सा सही है, ऐसा आपसे पूछा हुआ है। तो क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखते बेटा, तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, गलत बात है बेटा, ये तो स्पेसिफिक होता है। सेकंड कह रहा है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ये भी गलत बात है बेटा, ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। इट इज मल्टी लेयर्ड इन नेचर, ये भी गलत बात है, मोनोलेयर बनती है। एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व इन दिस एडजॉप्शन, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो यहां पर आपको आंसर जाएगा बच्चों फोर्थ, सही कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 81। बच्चों केमिकल एडजॉप्शन अगर हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्लूड होगी और ये स्पेसिफिक नेचर का होता है, यहां पर सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है डियर। तो 81 में आपको आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा फोर्थ। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज मोर इफेक्टिव कॉगुलेटिंग एजेंट फॉर कॉगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। बच्चों ध्यान रखें, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट क्या कोई भी हाइड्रोक्साइड सॉल्ट हो दुनिया का, सारे के सारे हाइड्रोक्साइड सॉल्ट कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर पॉजिटिव सॉल्ट को आपको कॉगुलेट करना है तो आपको नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो K4Fe6 में आपको नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों K4Fe6 में नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पर आपको -4 देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये बच्चों यहां पर -4 होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट में बात करें तो SO4 पे बच्चों -2 देखने को मिलेगा। फॉस्फेट में बात करें तो बच्चों PO4 -3 देखने को मिलेगा। और क्लोरीन पर बच्चों यहां पर -1 देखने को मिलेगा। ऐसे केस में बच्चों नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसलिए पॉजिटिव सॉल को अगर न्यूट्रलाइज करना है, कॉगुलेट करना है, उदासीन करना है, तो ऐसे केस में बच्चों आपको जहां पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वही ऑप्शन सबसे अच्छा कॉगुलेटिंग एजेंट बिहेव करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे बेस्ट आंसर फर्स्ट मिलेगा, K4Fe6 में कॉम्प्लेक्स पर चार्ज -4 है तो अपोजिटली चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा K4Fe6 के पास है, इसलिए सबसे ज्यादा कॉगुलेटिंग पावर, स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा K4Fe6 के लिए पाई जाएगी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए पाई जाएगी, इसलिए आंसर क्या जाएगा फर्स्ट। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैव मैक्सिमम पीएच एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों सारे के सारे ऑप्शंस में कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, चारों के चारों ऑप्शंस में देखो मोलरिटी तो सिमिलर है। अब जब मोलरिटी सिमिलर है तो आपको बच्चों इन कंपाउंड्स के बेसिस पर देखना पड़ेगा मैक्सिमम पीएच कहां मिलेगा। ध्यान रखें पीएच ज्यादा कहां होता है, जहां पर बेसिक नेचर ज्यादा होगा, यानी कि जहां पर स्ट्रॉन्ग बेस दिखेगा। आप इन सबको वाटर में डिजोल्व करके देख लो, जहां पर वाटर में डिजोल्व करके आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मिलेगा वहीं पर आपको बच्चों कंपाउंड का पीएच सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। देखते हैं बच्चों यहां पर जब इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे बच्चों आप MgCl2 को, तो आपको यहां पर कंपाउंड मिलेगा बच्चों MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बेरियम क्लोराइड को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे बच्चों तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, क्योंकि यहां पर कैटायन का साइज बच्चों लार्जेस्ट है। और अगर धनायन का आकार सबसे बड़ा है, केटायन का साइज लार्जेस्ट है, तो आपको बच्चों यहां पर बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, आयनिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसके पास है, बेरियम के पास है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड में जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, और अगर इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो बच्चों यहां पर OH को रिलीज करने की या अट्रैक्शन कम होगा बेरियम +2 का OH के साथ, इसलिए OH आयन को रिलीज करने की सबसे ज्यादा पावर बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड के पास होगी, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो सबसे ज्यादा पीएच भी किसकी होगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड की ही देखने को मिलेगी। ठीक है डियर,
तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पीएच, तो आंसर जाएगा बच्चों फोर्थ, बेरियम क्लोराइड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटो, क्वेश्चन नंबर 84, क्या क्वेश्चन है देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा क्वांटम संख्याओं का समुच्चय बच्चों सही नहीं है, कौन सा सेट जो है वो सही नहीं है, ऐसा आपसे पूछा हुआ है। तो बच्चों चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें क्वांटम नंबर्स का सेट करेक्ट नहीं है, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स के वैल्यू पॉसिबल नहीं है, देखते हैं बेटा। तो ऑप्शन नंबर वन को अगर देखा जाए बच्चों, तो स्मॉल एन का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है, पॉसिबल है। एल वैल्यू 1 है, पी ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है। एम वैल्यू -1 है, पॉसिबल है बच्चों। और एस का वैल्यू +1/2 और -1/2 कुछ भी हो सकता है, इसलिए 4p सबसेल के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। सेकंड ऑप्शन देखें बेटा, एन वैल्यू 4 है, एल वैल्यू डी कितना है 2 है, तो डी सबसेल के लिए होगा। एम वैल्यू +1 है, हो सकता है बेटा, और एस वैल्यू -1/2 है, ये भी हो सकता है, तो ये भी सही है बेटा। नेक्स्ट बच्चों थर्ड ऑप्शन देखें, एन वैल्यू 4 है, एल वैल्यू 3 है, तो 4f सबसेल होगा बेटा। एम वैल्यू -2 है, पॉसिबल है बेटा, हो जाएगा। और एस वैल्यू 1/2 है, प्लस का, बिल्कुल सही है, हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में बेटा एन वैल्यू 4 है, एल वैल्यू 2 है, बिल्कुल, और एम वैल्यू +3 है, यही बात यहां पर गलत है बेटो। बच्चों एल की वैल्यू से ज्यादा एम की वैल्यू जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकती, ध्यान रखें। एल की वैल्यू 2 है, तो एम की वैल्यू +2 से -2 हो सकता है, पर +3 नहीं हो सकता, इसलिए फोर्थ जो सेट है वो इनकरेक्ट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपको फोर्थ देना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल, फोर्थ ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर क्वेश्चन नंबर 84। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 84, आगे बात करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 85 क्या है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, ए सिस्टम एब्जॉर्ब्ड 500 जूल हीट एंड डज 50 कैलोरी वर्क करता है, ठीक है, ऑन सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग पर कर रहा है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, आपसे इंटरनल एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा ई का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। बच्चों यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे आप, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू द क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लॉट के अकॉर्डिंग डेल्टा ई इक्वल टू द क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो बच्चों यहां पर फ्लॉट अप्लाई किया जाए तो फॉर्मूला है बच्चों डेल्टा ई इक्वल टू द क्यू प्लस डब्ल्यू। बच्चों डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 500 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बच्चों क्यू का साइन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और बच्चों वर्कडन ऑन द सराउंडिंग है, यानी कि सिस्टम के द्वारा हो रहा है। बच्चों अगर सिस्टम पर वर्क होता तो पॉजिटिव लेते, अब सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, ऑन द सराउंडिंग हो रहा है, तो नेगेटिव साइन लेंगे यहां पर। बाय द सिस्टम वर्क डन है, इसलिए नेगेटिव साइन लेंगे, ऑन द सिस्टम होता तो पॉजिटिव साइन लेते, यहां पर वर्क डन का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए मैग्नीट्यूड क्या पुट करेंगे, वर्क डन कितना कर रहा है 50 कैलोरी। अब बच्चों यूनिट्स का भी ध्यान रखें आप, आपको हीट तो दे रखा है बच्चों जूल में और वर्क डन दे रखा है कैलोरी में, तो आप इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। बच्चों 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होता है, तो 50 कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बच्चों यहां पर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस का है, तो डेल्टा ई इक्वल टू दी 500 माइनस, ये देख सकते हैं, ये आपके पास 200.2 के आसपास आएगा, लगभग 200 ले सकते हैं, 4 के अप्रोक्सीमेट मान लें इसको, तो 300 के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा और पॉजिटिव आएगा, तो 290 जूल पॉजिटिव में आपका आंसर जाएगा, आपको यहां से आंसर मिलेगा बच्चों 290 जूल, ठीक है डियर। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखने को मिलेगा आपको कितना, 50 को 4.2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 तो उधर हो गया और 200 इधर हो गया, तो 210 बच रहा है। एग्जैक्ट अगर इसको लिखेंगे आप तो ये कितना बच रहा है बेटो, 210, और 210 को अगर माइनस करेंगे तो बच्चों यहां से आपको 290 मिल रहा है, और 290 पॉजिटिव का मिल रहा है, इसलिए डेल्टा ई का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो आपका आंसर बच्चों यहां पर 290 जूल पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है डियर।
ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 85 का सॉल्यूशन। आगे चलें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था जिसको अपन ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, और ये सेक्शन बी में अपन एंटर कर चुके हैं बच्चों। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर चुके हैं बेटा। अब हमें बात करनी है सेक्शन बी के क्वेश्चंस की। तो सेक्शन बी में इनिशियली बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस थे जिनको सर ने सॉल्व करवा दिया है। अब हम आगे बात करें बच्चों सेक्शन बी के इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चंस की। ठीक है यार, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है इनिशियली। ये भी ऑर्गेनिक था, ये भी ऑर्गेनिक है, ये बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। हाँ तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन 94 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, Al2O3 व्हेन ट्रीटेड विद HCl एंड एक्सेस ऑफ NaOH इन एक्वस मीडियम। बेटो एक्वस मीडियम है, बेहतरीन बात, मीडियम एक्वस है और एक्सेस ऑफ NaOH लिया हुआ है, ठीक है, और ट्रीटेड विद HCl, तो क्या क्या कंपाउंड बनेंगे। इनिशियली बच्चों AlCl3 बनेगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम प्लस थ्री में है, एल्यूमिनियम प्लस थ्री की कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 होती है, और एल्यूमिनियम प्लस थ्री कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वाटर में है, एक्वस मीडियम में है और NaOH का एक्सेस है, तो ऐसे कैसे बच्चों एल्यूमिनियम प्लस थ्री वाटर के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा, AlH2 का होल 6 3+ का फॉर्मेशन कर लेगा, साथ में NaOH का अमाउंट एक्सेस में लिया हुआ है, ऐसे केस में बच्चों 6 मोल्स ऑफ OH कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये फॉर्म कर सकता है। अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ NaOH लेंगे, अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ NaOH लेंगे तो AlOH का होल 4 माइनस का फॉर्मेशन होगा, अगर एक्सेस में NaOH लेंगे तो AlOH का होल 6 माइनस 3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है डियर, इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, AlH2 का होल 6 3+, ये एल्यूमिनियम प्लस 3 का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स दिखेगा और NaOH एक्सेस में है, इसलिए आपको AlOH का होल 6 3- इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा। ठीक है डियर, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर देंगे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे बेटा इसके बाद, ये था 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 95, देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपसे पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ऑप्शन देखते हैं पहले, क्रोमेटोग्राफी मेथड इज ऑफ प्यूरिफिकेशन बेस्ड ऑन एडसोर्प्शन थ्योरी, बिल्कुल सही बात है बेटो, क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग कॉलम में अलग अलग सब्सटेंस का एडसोर्प्शन होता है, जैसे एल्यूमिना का सब्सटेंस जो एल्यूमिना है उसका एडसोर्प्शन NaOH सॉल्वेंट पर होता है, इसलिए एडसोर्प्शन पर बेस्ड बच्चों क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है डियर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन को देखें बच्चों, जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस यूज्ड स्पेशली फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही बात है बच्चों, जॉन रिफाइनिंग और मंडल परिष्करण जिसे बोलते हैं वो हाईली प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम यानी कि सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज किया जाता है बेटा, तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट यहां पर। थर्ड ऑप्शन देखते हैं बेटा, रोस्टिंग प्रोसेस यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ ओर मॉलिक्यूल्स इंटू ऑक्साइड बाई हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल सही है, रोस्टिंग में तो बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है और कैल्सिनेशन में बच्चों इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है, तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो भर्जन होगा, रोस्टिंग होगा जो कि ओनली सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, जबकि कैल्सिनेशन अगर हो रहा है तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऐसे केस में वहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन होगा कार्बोनेट्स के लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए, एक्सेट्रा के लिए कैल्सिनेशन आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मैलेकाइट इज इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मैग्नीज, बिल्कुल गलत बात है बेटा, तो जो मैलेकाइट है बच्चों ये कॉपर का इंपॉर्टेंट ओर है ना कि मैग्नीज का, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा बच्चों। अगर मैलेकाइट का फॉर्मूला लिखना पड़े बच्चों तो आप लिखेंगे CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3, बच्चों CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला यहां पर मैलेकाइट का है जिसको मैलेकाइट ग्रीन कहा जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शंस
SnCl2 plus 2 HgCl2 gives SnCl4 plus Hg2Cl2, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये रिएक्शन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शंस पढ़ते बैठो, फर्स्ट में कह रहा है इट इज एन इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है बच्चों, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। SnCl2 बच्चों Sn प्लस 2 में है और ये प्लस 2 से प्लस 4 में ऑक्सीडाइज हुआ है, तो SnCl2 का तो ऑक्सीडेशन होगा, यहां तो बच्चों हुआ है ऑक्सीडेशन, और बच्चों Hg प्लस 2 में है और Hg2Cl2 में प्लस 1 में गया है, तो HgCl2 का रिडक्शन हुआ है, तो वन मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज एंड अनदर मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस, इट मींस प्रोसेस इज इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स, प्रोसेस इज इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स, ठीक है डियर। सेकेंड ऑप्शन क्या है, SnCl2 गेट ऑक्सीडाइज एंड HgCl2 गेट रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये भी सही बात है, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है, SnCl2 acts as reducing agent and HgCl2 acts as oxidizing agent, ये भी सही बात है बेटो, SnCl2 reducing agent है, lower oxygen state present है यहाँ पर, और HgCl2 बच्चों यहाँ पर oxidizing agent के लिए behave करेगा, ठीक है dear, तो 1, 2, 3 all are correct, इसका मतलब answer आपका क्या जाएगा बच्चों, fourth option is answer, आपको answer देना पड़ेगा, fourth option is correct for this question, आगे चले बेटो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करेंगे, ये था 96, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 97, क्या क्वेश्चन है देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शो मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन एक्वस मीडियम, बच्चों एक्वस मीडियम में मैक्सिमम कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, तो ध्यान रखें कंडक्टिविटी की जहां जहां बात होंगी, सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ आयंस की बात होनी चाहिए, जिस इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा देने की कैपेसिटी होगी, नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा प्रोवाइड करेगा उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। बच्चों जब आयंस की नंबर सिमिलर हो जाए या आयंस की नंबर सेम दी जाए तो ऐसे केस में चेक करेंगे मोबिलिटी ऑफ आयन, तो ध्यान रखें एक्वस मीडियम में जो कैटायन जितना स्मॉल होगा, जो कैटायन जितना स्मॉल होगा उतना ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो बच्चों नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड करेगा, और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड करेगा तो उसका साइज लार्ज हो जाएगा। बच्चों पानी में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही मोटा हो जाता है, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका भार जो है वो बढ़ जाएगा, हैवी हो जाएगा, और हैवी हो गया तो उसकी मोबिलिटी बच्चों डिक्रीज हो जाएगी, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और अगर आयन की स्पीड कम हो गई बच्चों तो ऐसे केस में उसकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगी। ध्यान रखें स्पीड ऑफ आयन कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोबिलिटी ऑफ आयन जो है वो कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर जो कैटायन स्मॉलेस्ट है उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा बच्चों तो उसका मास भी एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस मिनिमम होगी। तो यहां पर अगर आपको आंसर सेलेक्ट करना है तो लार्जेस्ट कैटायन को आंसर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कैटायन सबसे ज्यादा लार्ज होगा उसका हाइड्रेशन मिनिमम होगा, और हाइड्रेशन मिनिमम होगा तो बच्चों उसका मास सबसे कम होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है तो बच्चों उसकी स्पीड सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, और अगर मोबिलिटी फास्ट होगी तो कंडक्टेंस भी सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, जो लार्जेस्ट कैटायन है। इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट कैटायन कौन है, बेरियम प्लस टू लार्जेस्ट कैटायन होगा, और सबसे ज्यादा मोबिलिटी शो करेगा बेरियम प्लस टू कैटायन, क्योंकि इसका हाइड्रेशन मिनिमम होगा, इसलिए आंसर फोर्थ देंगे बेटा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, बच्चों क्वेश्चन नंबर 98 देखें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस, कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं बच्चों, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट में दे रखा है PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 का फॉर्मेशन हुआ है, डेल्टा एच का वैल्यू x1 किलो कैलोरी दे रखा है। सेकंड में बच्चों PCl3 गैस से फॉस्फोरस गैस प्लस 3Cl गैस एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड बच्चों x2 किलो कैलोरी दे रखा है। और ऑप्शन थर्ड को देखें बच्चों, थर्ड रिएक्शन में PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस 2Cl डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड बच्चों x3 किलो कैलोरी दे रखा है। अब बच्चों आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, यानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ PCl बॉन्ड इन PCl5 इज x2 plus x3 by 2 किलो कैलोरी पर मोल, तो किलो कैलोरी पर मोल में आपसे बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है, तो बच्चों यहां पर डिवाइडेड बाई 2 कर रखा है इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगर यहां पर डिवाइड 5 से कर देता तो यह ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि 3 बॉन्ड्स तो PCl3 में है और 2 बॉन्ड्स क्लोरीन के कहां पर ब्रेक हो चुके हैं, PCl5 के इनिशियली ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है डियर, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हुआ। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ PCl बॉन्ड इन PCl3 इज x2 / 2, x2 / 2 के प्लेस पर बच्चों यहां देख सकते हैं PCl3 में
PCl बॉन्ड की जो नंबर है वो 3 है, इसलिए आपको यहां पर जब बॉन्ड एनर्जी का आंसर देखना पड़ेगा तो आपको बच्चों PCl3 में 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन सेपरेट कर रहा है तो X2Y3 होना चाहिए था ये, तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X2Y3 आएगी ना कि X2Y2 आएगी, तो X2Y2 के प्लेस पर X2Y3 होता तो सही हो जाता, अभी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते बेटो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ PCl बॉन्ड इन PCl5 इज X1+X2/2, यहां पर भी बच्चों X1+X2/2 कर रहा है तो यहां 2 बॉन्ड्स नहीं है PCl5 में, यहां PCl5 में PCl बॉन्ड्स की नंबर बच्चों 5 है, इसलिए आपको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, ये भी इनकरेक्ट हुआ। और लास्ट ऑप्शन देखिए बेटा, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ PCl3 मॉलिक्यूल इज X2 किलो कैलोरी पर मोल, ये बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो PCl3 मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने के लिए फास्फोरस एटम प्लस 3Cl में आप कितना एनर्जी दे रहे हो, X2 एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब जो X2 एनर्जी है वो कंप्लीटली 3 बॉन्ड्स ऑफ पी सिंगल बॉन्ड सीएल को ब्रेक करने के काम में आ रही है, इसलिए 3 बॉन्ड्स ऑफ पी सिंगल बॉन्ड सीएल को ब्रेक करने में जो एनर्जी यूज में आएगी बच्चों उसी को PCl3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कहा जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों यहां पर आंसर क्या देंगे, फोर्थ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ देना पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है बच्चों, देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, 100 ग्राम इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 5.6 लीटर CO2 गैस एट STP, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैल्शियम की बात कर रहा है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन द कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, तो कैल्शियम की परसेंटेज आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है बच्चों, ठीक है डियर। तो देखते हैं बच्चों कितने मास से यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट से इतनी CO2 ऑब्टेन होगी, इस बात को चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों इनिशियली इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो सैंपल का मास है वो 100 ग्राम है, इम्प्योर सैंपल है, कितना CO2 प्रोवाइड कर रहा है 5.6 लीटर। तो बच्चों अगर 100% प्योर सैंपल होता कैल्शियम कार्बोनेट का तो 22.4 लीटर CO2 STP या NTP पर ऑब्टेन होता। अगर इसकी रिएक्शन देखी जाए तो बच्चों CaCO3 थर्मली डिकम्पोज होगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, और यहां देख सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसका मॉलिकुलर वेट कितना है बेटो 100 ग्राम, इस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बच्चों 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 NTP या STP पर ऑब्टेन हो रही है। ऐसे केस में आप कहेंगे 22.4 लीटर CO2 ऑब्टेन होती है कितने से, 100 ग्राम से, तो बच्चों 1 लीटर ऑप्टेन होगी कितने से, 100/22.4 से, और बच्चों 5.6 लीटर ऑफ CO2 ऑप्टेन होगा तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 5.6 से, यहां से बच्चों कैंसिल करेंगे तो आपको बच्चों यहां से 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज में आएगा, यहां से आपको यूज मारा है 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बच्चों 5.6 लीटर ऑफ CO2 प्राप्त हो रहा है। बट अभी तक कैल्शियम की बात नहीं हुई है, हमने 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देखा है, हमको अभी कैल्शियम की अमाउंट पूछा हुआ है, ठीक है डियर, और वो भी परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है डियर। तो 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 5.6 लीटर CO2 ऑब्टेन हो जाएगा। अब बच्चों कैल्शियम की परसेंटेज निकालनी है अपने को 25 ग्राम सैंपल में, ठीक है, तो बच्चों 100 ग्राम सैंपल में कैल्शियम की परसेंटेज कितनी थी 40, 100 ग्राम सैंपल में कैल्शियम का जो मास है बच्चों वो कितना है 40 ग्राम है, ठीक है, तो 100 ग्राम में 40 ग्राम है तो 1 ग्राम में होगा बच्चों 40/100, तो 25 ग्राम में कितना होगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, और ये 4 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, मतलब 10 ग्राम आएगा बेटा, तो 10 ग्राम कैल्शियम उपस्थित होगा बेटो यहां पर बच्चों 10 ग्राम कैल्शियम उपस्थित होगा, और 10 ग्राम कैल्शियम उपस्थित है 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम है, परसेंटेज बनाएंगे तो 10% आ जाएगा बेटा, तो 10% कैल्शियम यहां पर उपस्थित है, इसका मतलब कैल्शियम के लिए परसेंटेज आएगी बेटो, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर जाएगा थर्ड, 10% ऑफ कैल्शियम। आगे चलते बच्चों, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, क्या क्वेश्चन है देखें, द सल्फेट ऑफ ए मेटल एम कंटेन्स 20% ऑफ एम यानी कि मेटल, दिस सल्फेट इज आइसोमॉर्फस विद ZnSO4.7H2, द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल एम इज, ठीक है बच्चों जब जब आइसोमॉर्फिज्म की बात होगी तो आइसोमॉर्फिज्म में जो कंपाउंड दे रखा है उसकी वैलेंसी जो है मेटल की वो गिवन मेटल एम के इक्वल होगी, यानी कि जिंक की वैलेंसी प्लस टू है तो मेटल एम की वैलेंसी बच्चों क्या होगी यहां पर प्लस टू होगी, और इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे देखें यहां पर, तो बच्चों यहां पर
ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल को ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फेट के इक्वल लिख लिया जाए, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एम इक्वल टू दी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फेट, ठीक है डियर। तो बच्चों मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ मेटल कितना है 20 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी से एटम मास एम है वैलेंसी 2 है, इक्वल टू दी सल्फेट का मास कितना होगा 80, 100 माइनस 20 अपॉन सल्फेट के लिए इक्विवेलेंट मास कितना होगा 96/2, क्योंकि इस आयन का मास कितना है 96 और वैलेंसी 2 है तो यहां से 48 आएगा। और इसको फर्दर कैलकुलेट कर ले बेटो यहां से, तो ये 20 से इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर दो बेटा, ठीक है, और ये यहां पर कितना रह गया है 48 रह गया है। बच्चों ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या रहेगा, ये 2/m इज इक्वल टू दी, उधर कितना बच रहा है, ये 48 हो गया, ये 4 है, 4 से 48 को भी कैंसिल कर देंगे तो 12 टाइम कैंसिल होगा, कितना बच रहा है उधर 1/12, तो उधर क्या रहेगा 1/12, यहां से बच्चों 12 इधर मल्टीप्लाई होगा तो m का जो मास है बच्चों 24 देखने को मिलेगा, यानी कि यहां से बच्चों मेटल का जो एटम मास है वो 24 ऑब्टेन हुआ है, ठीक है डियर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 100 का सॉल्यूशन, ठीक है डियर। तो ये थे बच्चों सारे क्वेश्चन जिनको हमने इजीली सॉल्व कर दिया है, बहुत ही यूजफुल पेपर है बच्चों, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और नीट में बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है डियर, थैंक यू।